सवेरे जो बात शुरू हुई गेट करार से शुरू हुई कि गेट करार कितना खराब है, कितना खतरनाक है, उसके सिर्फ दो ही चैप्टर पे चर्चा हुई तो आपको अंदाजा हो गया कि ये कितना भयावह है। आप सोचो ऐसे 28 चैप्टर हैं और मैंने दो चैप्टर के 6 ही प्रोविजन आपसे शेयर किए, खेती वाले 3 और ये ट्रिप्स के 3। ऐसे इसमें लगभग 20,000 प्रोविजन है। मैंने आपको 6 बात की और जब मैं शुरू में कह रहा था कि अगर मैं इस पे लगातार बात करूं तो 15-20 दिन भी लगेगा, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें लगभग 20,000 प्रोविजन है कुल मिला के ऐसे, और उन सभी को अगर आप सुन लेंगे तो फिर अंत में यही कहेंगे कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं जानबूझ के भी नहीं सुनाता। वो समझने के पहले एक थोड़ा हमने गेट समझा। अब मैंने आपसे जहां बात खत्म किया था वो कि ये गेट जिस मानस ने बनाया वो क्या है, वो समझ लें तो पूरी व्यवस्था भी हमको समझ में आएगी। इतना हम सब जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका ने दुनिया में पिछले 500 साल में बहुत तबाही लाई है। एक देश को गुलाम बनाया, दूसरे को बनाया, तीसरे को बनाया, 50 से ज्यादा या बल्कि 100, लगभग 100 से ज्यादा देशों को अलग अलग समय पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। अब मैंने बात यहां छोड़ी थी कि इनको बिल्कुल तरस नहीं आता, 10 करोड़ लोगों को मार डाला अमेरिका में, 2 करोड़ को ऑस्ट्रेलिया में मार डाला वगैरह वगैरह, और इस तरह के घातकी जो है नए नए एग्रीमेंट कराते रहते हैं जिसमें आम आदमी के लिए मरने का ही है। तो ये कैसे होता है वो समझने के लिए एक बार मैंने धर्मपाल जी से बात किया था कि ऐसा क्यों है ये सब, यूरोप के लोग ऐसे ऐसे कैसे कर लेते। तब उन्होंने कहा कि उनकी प्राइवेट लाइफ पढ़ो, तो यूरोप की प्राइवेट लाइफ मैंने पढ़ना शुरू किया। यूरोप की प्राइवेट लाइफ के बारे में धर्मपाल जी से काफी कुछ चर्चा भी मैंने की, और उस पर से मेरे मन में आया कि मैं एक किताब लिखूं आप सबके लिए, हम सबके लिए, बहुत सरल शब्दों में, जो बिल्कुल क्लिष्ट ना हो और इतनी सरल हो कि 10वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी पढ़े, 9वीं कक्षा का, तो उसको यूरोप क्या है वो समझ में आ जाए। मैंने आपसे ये कहा कि एक तो यूरोप का ये हिस्सा है जिसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, या कोई जाता है और लौट के आता है तो सुनाता है, देखो सड़कें कितनी बड़ी बड़ी हैं, फ्लाईओवर्स कितने हैं, सड़क के ऊपर सड़क है, 7 मंजिल सड़क है, 10 मंजिल सड़क है, एक एक होटल ऐसा है जिसमें 5,000 कमरे हैं, 10,000 कमरे हैं, एक एक सड़क ऐसी है जिसपे लगातार एक साथ 8-10 कारें चल के जा सकती हैं वगैरह वगैरह। एक तो ये यही हमारे मन में बैठ जाता है क्योंकि हमें दूसरा पार्ट नहीं मालूम उसका, और वो मालूम क्यों नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। यूरोपियन लोग अपने बारे में कभी बताते नहीं है किसी को, उनका आदत ऐसा है, वो अपने बारे में कम से कम उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में वो नहीं बताते, तो वो पता करना पड़ता है। तो वही पता करने के लिए पिछले कुछ सालों से धर्मपाल जी के साथ जो मैंने यहां आने का तय किया, मैं यहां पिछले 4-5 साल से रहता हूं सेवाग्राम में, उसके पहले तो इलाहाबाद रहता था, तो इलाहाबाद छोड़कर यहां आने का बना, वो उसका एक बड़ा कारण ये था कि यूरोप को समझना है और उसके बरक्स माने उसके प्रतिबिंब भारत को समझना, और समझ बन जाए तो शायद दूसरों को बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं। आधी अधूरी समझ बनेगी तो वही होगा जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, राजेंद्र सिंह राणा नाम लेकर दिया, हम भी उस रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन समझ अगर ठीक ठाक है, पूरी है, तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है। मुझे हमेशा एक बात लगती है कि हम कोई एक अच्छा काम करें या न करें, लेकिन एक गलत काम कभी न करें, ये कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। आपने एक गलत काम किया, वो मिसाल बनता है, फिर दूसरे लोग उसमें आ जाते हैं, फॉलो करना शुरू, तो हमसे कोई गलती ना हो जाए कुछ करते हुए, क्योंकि समाज सेवा का काम बहुत जोखिम का काम होता है, बहुत ही ज्यादा जोखिम का काम होता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदुस्तान में संगठन है जो हेपेटाइटिस बी का मास वैक्सीनेशन कराने के काम में लगे, बहुत ईमानदारी से लगे, लेकिन अगर उनकी समझ बनी होती तो शायद वो कुछ और करते उसको छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो समाज में कुछ ना कुछ करना ही है। तो अब उनको जो समझ में आ गया कि चलो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना है, तो लगवा रहे हैं पूरे देश में। अगर उनकी समझ बन जाती तो शायद वो इससे भी बेहतर कुछ कर सकते थे। वैसे ही मुझे हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बारे में ये चिंता रहती है कि कहीं कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर वापस लौटना मुश्किल होता है, और उनको
बदलना भी मुश्किल होता है। इसलिए चलने से पहले थोड़ी ठीक ठाक समझ हो, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि वो आप आंदोलन में रह के काम करें या बाहर रह के काम करें। तो समझ बनाने के लिए मैंने ये तय किया कि जो कुछ यूरोप के बारे में मुझे पता चला, जानकारी मिली, ज्ञान मिला, उस पर एक किताब लिख दूं। वो किताब एक साधारण विद्यार्थी से लेकर और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए बन सके, एक समझ बन सके, और यूरोप का वो चित्र दिखाई दे जो हमें कोई दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। अब इसमें प्रश्न ये था कि हम ये देखें किस चश्मे से। हर चीज को देखने की दो दृष्टि है, आप अपने को अपने चश्मे से देखते हैं, तो यूरोप को हम किस चश्मे से देखें। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ईमानदारी उसमें होगी कि यूरोप को यूरोप के चश्मे से देखें। तो अभी का जो व्याख्यान होगा उसमें मैं दो तरह की दृष्टि इस्तेमाल करूंगा, एक भारतीय दृष्टि से यूरोप को देखना और एक यूरोप के लोगों की दृष्टि से यूरोप को देखना। माने एक यूरोपियन अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी मान्यताओं के बारे में, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बात करेगा तो कैसे करेगा, और एक भारतीय आदमी यूरोप की व्यवस्थाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में बात करेगा तो कैसे करे, ये दोनों साथ साथ चलेगा तो हमारी दृष्टि बहुत साफ होती चली है। अपने देश की जो सबसे बड़ी विडंबना मैं कहता हूं, या मुझे कोई ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मेरे पिछले 10 साल की समझ का ये वो है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भारतीय मान्यताओं के लोग अंग्रेजियत की व्यवस्था को चला रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब आपकी मान्यता तो भारतीयता वाली है और चला रहे हैं आप अंग्रेजियत का तंत्र, तो उसमें से कुछ शुभ नहीं निकल सकता, कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। उसमें से यही निकलेगा जो आज दिख रहा है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। कुछ लोगों के लिए तो सब कुछ है और कुछ के लिए कुछ भी नहीं है, जो कल चर्चा हो रही थी। धर्मपाल जी कह रहे थे कि 4 करोड़ लोग तो नागरिक हैं इस देश में, और 96 करोड़ के लिए तो न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न दवा है, न दारू है, न डॉक्टर है, न कुछ है, न कुछ है। तो ये ऐसा कैसे हो गया इस भारत में? ऐसा इसलिए हो गया कि हम भारतीय लोग एक अंग्रेजियत की व्यवस्था को चलाने में लग गए, उसमें से ये गड़बड़ हो गई है। अब इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, इसका अगर समाधान कोई पूछे क्या समाधान है, तो समाधान उसका सीधा सा ये है कि या तो आप अपनी व्यवस्था को भारतीय बना लो, या भारत के सब लोगों को अंग्रेजियत वाला बना लो, तो ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। जितने भी सवाल हैं, वो गेट का होगा, WTO का होगा, IMF का होगा, करप्शन का होगा, वर्ल्ड बैंक, कोई भी सवाल हो, क्योंकि सब सवाल व्यवस्था में से निकले, व्यवस्था कैसी है उसमें से ये सब निकलता है। अब हमारी व्यवस्था तो विदेशी है, मानस हमारा स्वदेशी है, तो या तो हम मानस को विदेशी बना लें और या तो व्यवस्था को स्वदेशी बना लें। बात समझ में आ रही है? आपका घर है, ऐसे समझिए, आपका घर है, आप अपनी पसंद के अनुसार या तो घर की डिजाइन चेंज कर लें। आप कोई घर में रहते हैं, वहां की डिजाइन आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो ठीक है, आपके मन के अनुसार आप अपने घर के डिजाइन बना लें, एक तो ये होता है, या घर जैसा बना है वैसे आप हो जाए, तो आपका क्या होगा, घर के साथ सामंजस्य अच्छा हो जाएगा। घर जैसा है वैसे आप हो जाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी, या आपकी मानस जैसा घर बना लेंगे तो भी परेशानियां सब चली जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तब होती है, घर एक मान्यता का है, रहने वाले मान्यता बिल्कुल अलग रखते हैं, हम एक अलग मान्यता के लोग बिल्कुल अलग मान्यता के घर में रहते हैं, तो उसमें समस्या ही समस्या होती है। ये है भारत के बारे में, यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी व्यवस्था अंग्रेजियत वाली है, मानस हमारा स्वदेशी है, वो अंग्रेजियत वाला हो नहीं पाया। 250 साल की गुलामी के बावजूद जो है हम अंग्रेजियत में नहीं गए। अब अंग्रेजियत क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अंग्रेजियत क्या है, यूरोपियन सभ्यता क्या है, अमरीकियत क्या है, वगैरह वगैरह। इनकी जो प्राइवेट लाइफ है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि उनकी प्राइवेट लाइफ यदि हमको समझ में आए तो उनकी पब्लिक लाइफ और उनकी सारी सिस्टम हमें समझ में आ जाएगी। उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है? यूरोप में 18वीं शताब्दी तक, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माने आज से लगभग 200 साल पहले तक उनकी जो प्राइवेट लाइफ रही है उस पे मैं बात करूंगा। और जब मैं ये बात करूंगा कि यूरोप की, तो यूरोप का माने ये 24-25 देश इंक्लूडिंग अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड,
स्पेन, पुर्तगाल वगैरह वगैरह, वेस्टर्न यूरोप प्लस ईस्टर्न यूरोप, उसमें ये भी है, सोवियत संघ भी आ जाएगा उसमें। तो ये पूरा सोवियत संघ, पूरा पश्चिमी यूरोप, पूरा पूर्वी यूरोप, और फिर पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड, ये सब उसी में है। तो इतने एरिया की हम बात करेंगे। तो उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है? प्राइवेट लाइफ क्या होती है? घर के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब प्राइवेट लाइफ है। अब घर के अंदर क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, बड़े होने के बाद शादी होती है, शादी होती है फिर उसके, फिर बच्चे होते हैं, फिर अपने माता पिता का स्वर्गवास होता है, उनका दाह संस्कार, ये सब जितना भी कुछ है प्राइवेट लाइफ है। हम शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट लाइफ है। तो यूरोपियन लोगों की प्राइवेट लाइफ पिछले 200 साल पहले तक कैसी रही है उसके चार पांच उदाहरण देता हूं। एक, बच्चे का पैदा होना, एक ही ये एक बात मैं लेता हूं कि बच्चे का पैदा होना उनकी मान्यता क्या है। तो पूरे यूरोप में सभी जगह मान्यता यह है कि बच्चे का पैदा होना परिवार के मुखिया की इच्छा पर निर्भर है। परिवार का मुखिया जो है, मुखिया माने जो पुरुष है परिवार में, पति कहिए उसको, पिता कहिए, जो भी कहिए, उसमें पत्नी का कहीं कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, परिवार का मुखिया जो मेल है, पुरुष है, उसकी इच्छा पर निर्भर है बच्चे का पैदा होना नहीं होना, ये उनकी मान्यता है। माने पुरुष चाहेगा तो बच्चा हो, नहीं चाहेगा तो नहीं हो। महिला की इसमें कहीं कोई इच्छा नहीं, पत्नी का कहीं कोई यस नहीं है उसमें। माने पत्नी कहे कि हमें बच्चा चाहिए और उसका पति कहता है नहीं चाहिए, तो पत्नी की नहीं चलेगी, पति की चलेगी, ये उनकी मान्यता है कि जो भी बच्चा होगा नहीं होगा वो पुरुष तय करेगा, महिला उसमें कुछ भी हिस्सेदारी नहीं ले सकती, ये उनकी मान्यता है। परिवार का मुखिया वो तय करेगा कि बच्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, यदि मुखिया के मन में आए कि बच्चे को पैदा होते ही मार डालो तो मार देना पड़ेगा, उसकी मां बचा नहीं सकती उसको। अगर पति ने यह तय कर लिया कि मुझे बच्चा पैदा होते ही मार देना है तो मार दीजिए, मालिक वही है। मालिक होने का मतलब है आप उसको चाहे तो मार सकते हो, चाहे तो पीट सकते हो, चाहे तो कत्ल कर सकते हो, चाहे तो किसी को बेच सकते हो, चाहे तो लावारिस छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मालिक होने का अर्थ यह होता है। माने मां का कोई स्थान नहीं है, मां का कोई महत्व नहीं है, और ये यूरोपियन सिविलाइजेशन में 18वीं शताब्दी तक है। कल धर्मपाल जी कह रहे थे ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1930 के बाद मिला है। महिलाओं को यूरोप के देशों में वोट देने का अधिकार 1930 के बाद मिला है, और ये अमेरिका में तो 1948 में आया है। तो वोट देने का अधिकार नहीं है, माने कुछ हैसियत नहीं है, कुछ उसका वो नहीं। ये तो यूरोप का मानस है कि वहां जो भी है वो परिवार के मुखिया की इच्छा पर निर्भर है। मुखिया चाहे तो बच्चे को मार डाले, मुखिया चाहे तो उसको लावारिस छोड़ दे, मुखिया चाहे तो गर्भपात करा दे, मुखिया चाहे तो बच्चे को पैदा होने के बाद अपने हाथ से मार डाले, जो चाहे वो करे। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ कि जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसको हाथ में उठाने का पहला अधिकार बाप का है, मां का नहीं। मां नहीं उठा सकती बच्चे को, और अगर उठा लिया तो मां और बच्चे दोनों को घर से निकाल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कितनी क्रूरता हो सकती है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ, मां नहीं उठाएगी, पहले उसका बाप उठाएगा। बाप ने बच्चे को उठा लिया तो वो बच्चे को स्वीकार कर लिया, ऐसे समझ लीजिए। नहीं उठाया तो वो बच्चे और मां को दोनों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई दूसरी मां आ जाएगी फिर, या उस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया जाएगा। एक कहानी सुना देता हूं। रूसो नाम का एक दार्शनिक है, रूसो बड़ा दार्शनिक हुआ है यूरोप का, 1750 के आसपास की घटना है। वो एक भाषण दे रहा है और भाषण में कह रहा है कि मैंने मेरे पांचों बच्चे लावारिस छोड़े, पांच बच्चे थे, पांचों को लावारिस छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उठा लिया था पैदा होने के समय, रूसो ने। और रूसो जो दार्शनिक है यूरोप का, उसको हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है,
उस पर प्रश्न लिखाए जाते हैं, हम उसमें उत्तर लिखते हैं। ये फिलॉसफी के स्टूडेंट अगर कोई होंगे तो वो जानते हैं इस बात को। तो रूसो का मानस कैसा, ये आप समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि मेरे पांच बच्चे हुए, पांचों को मैंने लावारिस छोड़ा और मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसकी मां ने उठा लिया था उन पांचों को हाथ में पैदा होने के तुरंत बाद। तो नहीं है, गया हथिकार हाथ से। एक तो ये हो सकता है कि बच्चों को लावारिस छोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो उस पुरुष ने लावारिस नहीं छोड़ा बच्चे को, तो अगर मां ने उठा लिया है तो वो बच्चा जिंदगी भर गुलाम रहेगा, एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बनेगा, गुलामी में रहना पड़ेगा, उसको कुछ अधिकार नहीं होगा। मतलब क्या है, जो बच्चे को जन्म के बाद उसकी मां ने उठा लिया और उसका पति थोड़ा दयालु है, उसने उसको घर से नहीं निकाला, इसको वो कहते हैं कि हम तो बहुत दयालु है कि घर से नहीं निकाला, तो आगे क्या करेगा? आगे ये करेगा कि जिंदगी भर उस बच्चे को बाप का सानिध्य नहीं मिलेगा। अब कैसे कैसे सानिध्य नहीं मिलेगा? वो बच्चा कभी भी अपने बाप के साथ बैठकर लंच नहीं कर सकता, डिनर नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, उसके पास आ नहीं सकता, उसका कंधा नहीं पकड़ सकता, उसकी गोद में सो नहीं सकता। ये कुछ भी अधिकार उस बच्चे को नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी मां ने उसको उठा लिया, बाप ने नहीं उठाया पैदा होने के तुरंत। इसके आगे और क्या हो सकता है? इसके आगे जो हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके आगे ये हो सकता है कि वो बच्चे को, चूंकि बाप का प्यार तो मिलेगा नहीं, मां भले प्यार करे बाप नहीं करेगा, बड़ा होने पर बाप उसको कोड़े से मार भी सकता है। कोड़े से मारना यूरोप में ये बहुत सामान्य है, बच्चों को कोड़े से पीटना, कोड़ा चाबुक, हंटर। और हंटर भी कैसा, जिसमें लोहे के कील लगे होंगे, लोहे के कील होंगे। और हंटर मारने की सजा कितनी हो सकती है? अगर मान लो ऐसा कोई बेटा है किसी बाप का, अगर ऐसा कोई बेटा है किसी बाप का जिसको उसके बाप ने स्वीकार नहीं किया है और थोड़ा बड़ा हो गया है 15-16 साल का, उससे कोई गलती हो गई है, तो 500 कोड़े मारे जा सकते हैं, 700 कोड़े मारे जा सकते हैं, 1000 कोड़े मारे जा सकते हैं। उसकी मां कहेगी कि तुम तो बहुत निर्दयी हो, तो कहेगा अच्छा ठीक है 50 कोड़े कम कर दो, 1000 का आदेश दिया है 950 मार दो। और जब वो 950 मारेगा तो दयालु हो जाएगा, दया है उसकी कि 50 कोड़े कम कर दिए। अब जरा इसमें से हम इन्फरेंस निकालें। ये तो है यूरोप की दृष्टि, अब भारतीय दृष्टि से बात करें। भारतीय दृष्टि क्या कहेगी कि कोई बाप इतना निर्दयी हो सकता है क्या, जो अपने बच्चे को कोड़े से मारे, अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिला सके, उसको प्यार नहीं करे वगैरह वगैरह, उसकी मां को घर से निकाल दे क्योंकि उसने उठा लिया जन्म के बाद उसको। ऐसा मानस है यूरोप, ये 18वीं शताब्दी तक है। माने अंग्रेज भारत में आए हैं तब तक उनका मानस ऐसा है। अब जो व्यक्ति अपने परिवार के बेटे के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है, वो बाहर वाले के साथ कितनी कर सकता है? समझ में आ रही है बात? ये आप अक्सर सोचते होंगे, सुनते होंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, कोड़े से मारा, केन से पीटा, हंटर से मारा। रूसो ने अपने पहले बेटे को जन्म लेते ही टोकरी में रख के सड़क पर रख दिया था और कुत्ता खा गया था उसको। रूसो ने यह किया था, जिसको महान दार्शनिक कहा जाता। पहला बेटा उसने जन्म लेते ही टोकरी में रखा, घर के बाहर कूड़ा जहां रहता वहां छोड़ दिया, कुत्ता खा गया उसको। और धर्मपाल जी बताते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स जो है वो ये बताते हैं कि यूरोप में ये जो 60-70% बच्चे तो सामान्य रूप से लावारिस छोड़े जाते थे, उसमें से एक तिहाई कुत्ते खा जाते थे, एक तिहाई बच्चों को कुत्ते खा गए, भेड़िया खा गया, ये खा गया। और रूसो कहता है कि मैं कुछ गलत थोड़ी करता हूं, यूरोप की जो परंपरा है उसका पालन करता हूं। अब हमारे लिए ये क्या है और उनके लिए क्या है? बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, ये उनके लिए कोई खराब बात नहीं है। अब ये जो लावारिस छोड़े हुए बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था समाज करेगा, राजा करेगा। तो राजा माने राज्य, राज्य ने उन लावारिस बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूट्स बनाए उन्हीं को कॉन्वेंट कहा गया है यूरोप में।
ये जो कॉन्वेंट बने हैं, अब देखिए यहां हमारी दृष्टि, उनकी दृष्टि से अभी मैंने बात की, अब मैं अपनी दृष्टि से बात कर रहा हूं, एक भारत की नजर से यूरोप को देख रहा हूं। तो वो कर क्या रहे हैं, कॉन्वेंट बनाते हैं। सभी रोमन पीरियड में भी कुछ कॉन्वेंट है, रोमन पीरियड से निकल के अभी तक जो कॉन्वेंट आए हैं, तो रोमन पीरियड के जो पेपर्स हैं जो बताते हैं वो ये कि कॉन्वेंट में उन्हीं बच्चों को भर्ती किया जाएगा जो माँ बाप के छोड़े हुए हैं। तो माँ बाप से छोड़े हुए माने लावारिस, तो लावारिस माने कॉन्वेंट में जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे, वो दूसरे किसी स्कूल में पढ़ने वो नहीं जा सकते, वो कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे। और कॉन्वेंट में उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनको मदर फादर कहा जाएगा, क्योंकि उनके असली मदर फादर नहीं है। ये आपने किसी कॉन्वेंट में जाके देखा है, फादर होता है या तो मदर होती है या तो सिस्टर होता है, टीचर नहीं होता। फादर है ये तो सिस्टर है, ये तो सिस्टर मैरी है तो ये सिस्टर जेसी है, तो ये फादर गोंजाल्वे है, तो ये फादर फलाने हैं, तो ये फादर ढिमाके हैं। मैं तो बचपन में देखता था ये सब, तो ये फादर पिकार्डो तो फादर रिकार्डो, जो भी नाम लेना है। अभी हमारे तो घर में बैठे हुए हैं भाई, ये स्कूल में कहां से आ गए, इसलिए आ गए कि कॉन्वेंट में है। अब कॉन्वेंट में तो यूरोप में मदर फादर ये है नहीं, इसलिए बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम इनको फादर कहो, तुम इनको मदर कहो, तुम इनको ब्रदर कहो, तुम इनको सिस्टर कहो, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है बच्चे की। तो 60-70% बच्चे जिस समाज में लावारिस रहे हों, वो समाज में बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो बना वो कॉन्वेंट है। वही कॉन्वेंट में उनका उछेर होगा, माने उनका लालन पालन होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा होगी, उनको तैयार किया जाएगा, और फिर पढ़ के वो निकल जाएंगे, समाज में कुछ काम करेंगे, बढ़ई बनेंगे, लोहार बनेंगे, चमार, जो भी करना करेंगे, लेकिन उनका इस तरह का पूरा किया जाएगा। तो जब 60-70% ऐसे हैं तो उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वो कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट का अर्थ ही होता है लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया संस्था। अब ये है, तो हमने अब समझ लीजिए कि ये यूरोप के देशों ने कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए, इसलिए बनाए कि उनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनके बच्चे लावारिस हैं, लावारिस हैं इसलिए कोई तो पाले उनको। तो अब कॉन्वेंट को चलाने वाले जो लोग हैं फिर वो ऐसे होने चाहिए जिनके अपने बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी तो पालेंगे, नहीं तो कैसे पालेंगे। कॉन्वेंट में कोई मदर है कोई फादर है, उसके अपने बच्चे होंगे तो इन बच्चों के साथ तो संबंध नहीं बनेगा ज्यादा। तो कॉन्वेंट में मदर फादर के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो शादी नहीं कर सकते, वो बच्चे नहीं रख सकते, तो अनमैरिड रहना है उनको। तो उनको जो अनमैरिड रखा जाता है किसी कॉन्वेंट के मदर फादर को, उसके रखने के पीछे ये है। अब आपको ये बताया जाएगा कि ये तो देखो कितने त्यागी हैं, शादी भी नहीं करते, कॉन्वेंट में शादी करने नहीं दी जाती उनको। कोई चर्च का फादर शादी करना चाहे तो नहीं कर सकता, सिस्टर करना चाहे तो नहीं कर सकती, उनको अविवाहित रह के ही पालना है, क्योंकि उनका बड़ा काम है लावारिस बच्चों का लालन पालन करना, उनको बड़ा करना। और ये यूरोप में माना जाता है कि उसके अपने व्यक्तिगत बच्चे हुए तो उनका लालन पालन वो नहीं करेगा, बेईमानी करेगा, या उसका ध्यान अपने बच्चों पर ज्यादा रहेगा, दूसरों पर नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान ही न जाए उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि बिना मैरिज किए हुए लोग इसमें आएंगे और सेवा के काम में लगेंगे। तो सेवा क्या, सेवा ये कि समाज के छोड़े गए लावारिस बच्चों का लालन पालन करना, ये बड़ी सेवा है। उसी में से कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम आया, उसी में से ये चर्च के इंस्टीट्यूशंस निकले, और उसी के आधार पर उन्होंने काम शुरू किया। अब वो आ जाएं भारत में और एक कॉन्वेंट स्कूल खोलें, और हम हमारे बच्चों को ले जाके लाइन से वहां एडमिशन कराएं, और फिर अपने बच्चों को कहें कि तुम भी मदर बोलो फादर बोलो उनको, मूर्खता है कि नहीं। और फिर हम उसको स्टेटस सिंबल बनाएं कि देखो मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है, ज्यादा तो यही बात आ गई है ना, स्टेटस सिंबल हो गया है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, तो मैं तो कुछ बड़ा आदमी हूं। लेकिन जिसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं उसको अकल खोल के अगर कोई ये बताने वाला होता कि ये कॉन्वेंट होते क्यों है और ये बनाए क्यों जाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि कोई भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजता। हमने क्या देखा, हमने ये देखिया कि वहां टाई लगाई जाती है, बढ़िया कपड़ा पहना जाता है, जूते में मोजा डाला जाता है, बच्चे लेफ्ट राइट करके जाते हैं, थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बाहर की, अंदर क्या है, आत्मा क्या है उस कॉन्वेंट की, ये तो बाहर का स्वरूप है,
अब बाहर के स्वरूप से ही हम प्रभावित हो गए, तो गई काम से गाड़ी अपनी, तो समझ नहीं बनती। तो उन्होंने अपने देश में कॉन्वेंट स्कूल क्यों खोले, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि उनकी एक प्रॉब्लम है या उनकी समस्या है या उनकी मान्यता, जो भी कहिए। इस पर यह मैं तर्क नहीं करने जा रहा हूं कि वो अच्छी है खराब है, लेकिन आप इतना तो अब महसूस करते हैं कि हमसे अलग है वो। हमारे यहां क्या है, हमारे यहां ये देख लीजिए कि बच्चा पैदा होगा तो पहला अधिकार तो उसकी मां का है, हमारे देश में तो ये है। यूरोप में क्या है, बच्चा पैदा होगा तो पहला अधिकार उसके पिता का है, हमारे यहां पहला अधिकार उसकी मां का है। और मां का तो इतना अधिकार है कि वो चाहे तो 3 महीने तक अपने बच्चे का मुंह अपने बाप को भी ना दिखाए। हाँ अब ठीक है, ना दिखाए ये उसका अधिकार है, ठीक है, मान्यता ऐसी है हमारी। तो हमने तो एक तरह का बनाया है अपना। और वो उस दिन शर्मा जी कह रहे थे कि या तो मां देखेगी बच्चे को सबसे पहले, या तो मां को मदद करने वाली जो दाई है वो देखेगी, और या दाई के साथ आए हुए जो दूसरे लोग हैं वो देख सकते हैं, नाहिन आएगी तो वो देखेगी, धोबिन आएगी तो वो देखेगी। अब वो उसको समझाया था आपको विस्तार से कि नाइन आएगी तो क्या लेके आएगी, धोबिन आएगी तो क्या लेके आएगी, कुम्हारिन आएगी तो क्या लेके आएगी, कुछ ना कुछ लाएगी, और वो लाएगी तो बच्चे से उसका परिचय कराया जाएगा। तो यहां तो ये मान्यता है कि बच्चा पैदा हुआ तो मां का अधिकार है, मां के साथ उसके जो सहयोग करने वाली दाई का अधिकार है, दाई के साथ उसके साथ जो दूसरी महिला उनका अधिकार है, और इन सबका इतना अधिकार है कि दाई चाहे तो अपना दूध भी पिला सकती है। पन्ना दाई ने तो किया है ना, और ये पन्ना दाई की कहानी कोई एक कहानी नहीं है, अगर हिंदुस्तान में ढूंढोगे तो ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों कहानियां मिल जाएंगी अलग अलग जगह में। तो इतना अधिकार है, माने पन्ना दाई असली मां नहीं है लेकिन दूध तो पिलाती है, तो दूध पिलाती है तो मां हो गई, मां जैसी हो गई। यशोदा भी तो असली मां नहीं है, देवकी है लेकिन दूध तो पिलाती है, तो यशोदा का भी अधिकार है उतना जितना देवकी का है। तो हमारे यहां तो बच्चे पे अधिकार की जो मान्यता है वो ये है, और यूरोप में है वो ये है। अब हम नकल करें उनकी तो फिर मुश्किल होगा, तो क्या करना पड़ेगा? अगर उनकी नकल करनी है ईमानदारी से तो वही करना पड़ेगा जो यूरोप में होता है कि सारे अधिकार बाप को दे दो, मारने का, पीटने का, उसको स्वीकार करने का, रिजेक्ट करने का, लावारिस बनाने का, छोड़ देने का, सब दे दो, मां के सारे अधिकार खत्म कर दो। तो अगर ऐसे हम हो सके तो यूरोपीय होना हमारे लिए बहुत आसान है, और नहीं हो सकते तो अपनी व्यवस्था को भारतीय बनाना पड़ेगा। और ये सारा खेल मन से होता है, मैंने आपसे फिर कहा, अगर आपके मन में ये है तो हो सकता है। अब देखिए इसके थोड़ा आगे चले, बच्चे की संख्या कितनी होगी परिवार में वो बाप तय करेगा। सामान्य रूप से यूरोप में 10 से 12 बच्चे हैं परिवार में, सामान्य रूप से। और 10-12 बच्चे क्यों है वो भी समझाता हूं, इससे आगे की बात समझा दूं तो ये थोड़ी खराब बातें भी मैं करूंगा, थोड़ा माफ करेंगे आप मुझे, खराब शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, खराब बातें भी करूंगा। चूंकि पत्नी का कोई अधिकार नहीं है पति पर, इसी में से आगे आप थोड़ी देर में और समझेंगे, महिला का कोई अधिकार नहीं है समाज में, तो पति चाहे कितनी भी पत्नियां रख सकता है, यूरोप में ये सामान्य परंपरा है। नीरो है ना, नीरो, उसकी 40 पत्नियां हैं, नीरो की, बड़ा सम्राट है ना, 40 पत्नी है, एक असली है, 39 सब नकली है। उनको कॉन्क्यूबिन्स कहते हैं, वो उपपत्नी कहते हैं हमको, उसको हिंदी में रखेल कहते हैं। तो एक पत्नी है, 39 रखेल है, सबसे बच्चे होंगे तो 10-12 होना तो बड़ी बात नहीं। अब नीरो ये है, यथा राजा तथा प्रजा, तो बिल क्लिंटन क्या खराब करता है अगर नीरो ये करता था तो, है ना, बिल क्लिंटन तो कुछ कम ही करता है ना, नीरो तो उससे भी आगे था। तो जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने चरम पर हों कि एक पुरुष की 40 स्त्रियां हो सकती हैं जिनसे वो संबंध रख सकता है और उनसे बच्चे भी होंगे, तो एक परिवार में 10-12 बच्चे हो गए तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब उसमें मैंने बता दिया कि ये जो 40 पत्नियां हैं उनमें से एक पत्नी है जिसके साथ शादी हुई है, 39 बिना शादी के उसके साथ है, उनकी हैसियत क्या है,
उनकी हैसियत के बारे में अरिस्टोटल कुछ कह रहा है, जो उनका बड़ा फिलोसोफर है। वो कह रहा है कि ये सब उसी तरह से हैं जैसे घर में सामान होता है। घर में सामान होता है, ये माइक रखा है, कुर्सी है, मेज है, पलंग है, तिपाई है, लोटा है, गिलास है, थाली है, ये जो सामान है ना वैसी पत्नियां हैं। और अगर सामान बेचा जा सकता है तो पत्नियां भी बेची जा सकती है। तो यूरोप में अभी तक 50 साल पहले तक पत्नियों को बेचने का एक बड़ा सिलसिला रहा है, रिवाज रही है, बेची जाती है महिलाएं, सौदा होता है उनका। एरिस्टोटल ये कह रहा है कि ये जो पत्नियां हैं किसी पति की, वो सब वस्तुओं की तरह हैं। एरिस्टोटल का ये, हाँ, जिसको महान कहते हैं। अरिस्टोटल ये कहता है कि ये जितनी पत्नियां हैं वो सामान जैसी हैं, जैसे घर में सामान रखा जाता है वैसे पत्नियां रखी जाती हैं। सामान को उठा के फेंक दिया जाए तो पत्नियों को भी फेंका जा सकता है, सामान को बेचा जाए तो पत्नियों को भी बेचा जा सकता है, सामान में आग लगानी हो तो पत्नियों में भी आग लगाई जा सकती है। अब अरिस्टोटल जो है वो पूरी सभ्यता का जनक माना जाता है। धर्मपाल जी बार बार कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट ऑफ अरिस्टोटल, ये है। अब जब ये अरिस्टोटल ने कह दिया तो बन गया ये तो परंपरा। अब अरिस्टोटल जो कह रहा है वो देख के ही कह रहा है ना, जो समाज में चलता होगा उसको देखा, उसी को थ्योराइज किया होगा, और तो कहां से लाया, आसमान में से तो जाके कोई थ्योरी लाया नहीं होगा वो। तो ये है, तो जिस समाज में महिलाओं की ये हैसियत रही हो उस समाज में फिर क्या निकलने वाला है। अब निकलने वाला ये है कि इच्छा है तो किसी पत्नी को रखो, नहीं है तो निकाल दो। अब वो जो निकाल दी गई महिला है वो क्या करेगी, तो उसके लिए ब्रॉथल्स बनाए गए, वेश्याघर बनाए गए। अभी आजकल उनको पब्स कहा जाता है यूरोप में, PUB, पब। पब जो होते हैं वो पुराने 200 साल पहले के ब्रॉथल्स हैं, वेश्याघर हैं। तो ये वेश्याएं आएंगी कहां से, घरों में से निकाली हुई पत्नियां हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है तो वेश्यावृत्ति करें आके। अब उनका काम क्या है वो और भी मजेदार है। इनका काम क्या है तो अरिस्टोटल भी कहता है, फिर उसके आसपास के बहुत सारे सुकरात वुकरात भी ये मानते हैं कि ये जो निकाली गई पत्नियां हैं जो वेश्यावृत्ति का काम कर रही हैं, ये जो है समाज के लिए जो जरूरी है वो करें। मैंने समाज के लिए किसी को सेक्स वासना की पूर्ति करनी है उसका काम करें, और या किसी को सेक्स एजुकेशन देना है उसमें लगे, वगैरह वगैरह जो भी। तो उनको मिस्ट्रेस कहा जाता है। जो मिस्ट्रेस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, आगे से ध्यान रखिएगा, किसी को आप मिस्ट्रेस जब कहें, हमको अंग्रेजी में शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और हम इस्तेमाल करते रहते हैं, कह देते हो ना मिस्ट्रेस। ये मिस्ट्रेस यही महिलाएं होती हैं जिनको पतियों के द्वारा घर से निकाल दिया जाए और जो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हो, किसी पब्स में लगी हो, ब्रोथल्स में लगी हो, वो ये सब करें। उनका कोई अधिकार नहीं है समाज में, उनके साथ चाहे कोई बलात्कार कर सकता है, चाहे कोई खून कर सकता है उनका, जो चाहे कोई कर दे, उनके कुछ अधिकार नहीं, ये है। तो ये वेश्यावृत्ति इतनी ज्यादा यूरोप में क्यों है, उसका ये आंसर है। जब महिला की हैसियत आप जो है एक वस्तु जैसी बनाएंगे, तो वस्तु तो जैसी है वैसी महिला है, तो उसमें से तो यही निकलेगा ना। तो अभी जब हमारे बहुत सारे दोस्त यूरोप और अमेरिका जाते, कहते यार बड़े पब्स हैं वहां पे, तो वो तो आज से थोड़ी हैं, 500 साल से, 1000 साल से, थोड़े बेहतरीन हो गए हैं अभी, पहले खराब थे, खराब और बेहतरीन में थोड़ा अभी लाइट अच्छी है वहां पर, फर्श बहुत अच्छा है, वो थोड़ा म्यूजिक अच्छा है, पहले उतना अच्छी लाइट नहीं होगी, उतना अच्छा फर्श नहीं होगा, लेकिन आत्मा तो वही है ना। वो बाहर के ढांचे में मत फंसिए कि वो लाइट अच्छी है, कि फर्श बहुत अच्छा है, कि डांस बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो फालतू बात है। असली बात तो ये है कि वो किस मान्यता से बनाए गए। तो वहां ब्रॉथल्स इस तरह के हैं, वेश्याघर इस तरह के। अब हिन्दुस्तान में देखिए, हिन्दुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में तो एक पत्नी व्रत है, एक पति व्रत है, भगवान राम हो चाहे वो कोई दूसरे हो। अब जिस देश में एक पत्नी व्रत एक पति व्रत, तो वहां ब्रॉथल्स तो होने वाले नहीं है, तो फिर यहां क्या होंगे। तो यहां ये रहा है कि बहुत सारी महिलाएं स्वभाव से और अपनी इच्छा के अनुसार विवाह न करें,
ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएं, मंदिर में जाएं, पूजा करें वगैरह। ये उड़ीसा में का आया है काल कार्यकर्ता, तो देवदासी होते हैं। तो कोई इच्छा से हो गई देवदासी, वो भगवान के लिए समर्पित है। ये तो हुआ ही है ना, मीरा तो कहती है कि मेरा विवाह तो कृष्ण से हो गया, अब बात खत्म हो गई, अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप देवदासी हो सकते हैं, और देवदासी से थोड़ा शायद नीचे गणिकाएं होती हैं जो मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए नृत्य करती हैं, श्रृंगार करती हैं वगैरह वगैरह। तो अब हम हिंदुस्तान में गाली देते हैं कि यहां तो देवदासी प्रथा है, और ये दिखाई नहीं देता कि यूरोप में क्या है। और यूरोप से कोई आके हमको समझाएगा कि तुम्हारे यहां तो बड़ा अत्याचार हो रहा महिलाओं पर, देखो देवदासी हो गई, देखो गणिका हो गई, उनको अपना तो बताना नहीं है कि हमारे यहां तो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति। तो उन्होंने जो ब्रॉथल्स बनाए, कॉन्वेंट क्यों बनाए वो समझ में आया आपको, ब्रॉथल्स उन्होंने क्यों बनाए वो समझ में आया, पब्स क्यों बनाए ये समझ। ये जो पब्स और ब्रॉथल्स हैं, इनका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम इनका है सेक्स एजुकेशन देना। तो ये सब मिस्ट्रेस हैं, वो ये करेंगी। अब इनमें संबंध जो है वो किसी के भी हो सकते हैं। कोई मां अपने बेटे को भी सेक्स एजुकेशन दे सकती है, क्योंकि वो तो निकाली गई है ना, उसका बेटा चला गया उसके पास। भाई बहन को दे सकती है। तो कभी कभी आजकल आप सुन लेते हैं ना, यूरोप में अमेरिका में ऐसे कहानियां होते हैं। ये आज की नहीं, ये तो 1500 साल पुराने कहानी किस्से हैं। तो अब ऐसे समाज में आप शुचिता की बात करें, वो तो उनके लिए मूर्खता ही है ना। तो जब ये बिल क्लिंटन करता है तो उस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी परंपरा में से ये आया है। मोनिका लेवन्स्की इंटर्न है, एक तरह से मिस्ट्रेस ही है वो। मोनिका लेवन्स्की की कहानी आपने सुना होगा, उसके साथ एक शब्द इस्तेमाल, इंटर्न। इंटर्न वही है मिस्ट्रेस के लगभग बराबर की। ऐसे और भी होते हैं, उनके काम यही है। तो ये एक है, इससे कुछ कुछ समझ में आता है कैसा यूरोप। अब एक दूसरी बात है कि यूरोप में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उनमें दो कैटेगरी है मैक्सिमम। एक तो कैटेगरी है राजा की, राजा के साथ जो राजपाट करने वाले लोग हैं उनकी एक कैटेगरी है, और बाकी दूसरी कैटेगरी है गुलामों की। या तो आप गुलाम होंगे, या तो राजा के साथ होंगे तो आपको नोबल कहा जाएगा, नोबिलिटी उसी को कहते हैं, नोबल मैन उसी को कहते हैं, जेंटलमैन उसी को कहते हैं। ये जो जेंटलमैन शब्द है ना, वो वही है कि आप राजा के नजदीक हैं, आप उसके गवर्नर हो सकते हैं, उसके साथ सेनेटर हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो सेनेटर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ये सब जेंटलमैन हैं, भद्र पुरुष जिनको कहा जाता है, और राजा है। तो राजा और राजा के साथ उसके सहकारी, वो एक क्लास है जिसको आप शासक वर्ग कह सकते हैं। और दूसरा है जो गुलाम। इन गुलामों में कौन कौन आते हैं तो उसकी पूरी एक लिस्ट है। जितने टीचर्स हैं वो सब गुलामों में आते हैं, जितने म्यूजिशियन हैं वो सब गुलामों में आते हैं, जितने कारपेंटर्स हैं वो सब गुलामों में आते हैं, जितना कलाकारी का काम करने वाले हैं वो सब गुलामों में आते हैं। बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी है, चर्मकार के, ये सब गुलाम है। तो डॉक्टर ये भी गुलामों में है, पेंटर ये भी गुलामों में है, पोइट वो गुलामों में है, ये सब लोग गुलाम हैं। और राजा के साथ के जो लोग हैं वो जेंटलमैन। तो अब हो क्या रहा है कि जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग है, शासक वर्ग ही सब करता है, गुलामों को कुछ करने का अधिकार नहीं है। गुलाम वही करता है जो शासक कहे उसको, मालिक जो कहे वही करना है, आप अपनी अकल से सोच भी नहीं सकते। तो होता क्या है कि ये राजा हैं, राजा के गवर्नर्स हैं, सेनेटर्स हैं वगैरह वगैरह, तो इनके बड़े बड़े महल हैं, महलों के पिछवाड़े हैं वो गुलामों के रहने के घर हैं। अब मैंने इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि कोई गुलाम का घर कैसा होगा। तो गुलाम के घर वैसे हैं जैसी हमारी जेल। आपने जेल देखी है किसी ने अंदर से? हमने तो देखी है। जेल में जो बैरक होते हैं ना, लाइन से बने हुए एक जैसे, सब ऐसे ही राजाओं के पिछवाड़े में बने रहा करते थे, उनमें गुलाम रहते थे, उनके लिए जेल हुआ करती थी। वो जेल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के लिए बनाई है। ये जो आधुनिक जेलें बनी है ना हिंदुस्तान में,
ये उसी डिजाइन से बनी है जिस डिजाइन से किसी राजा के घर का पिछवाड़ा होता था, जहां पर उसके गुलाम रहा करते थे। तो जितनी सुविधाएं राजा अपने गुलामों को देता था, उतनी सुविधाएं हिंदुस्तान में जेल के कैदी को दी जाती हैं। अब वहां क्या होता है कि राजा का पिछवाड़ा है, पिछवाड़े में ये सब रहने वाले लोग हैं, तो उनको एक ड्रेस है, तो वो ड्रेस यहां जेल में भी है। आपको कुछ भी बोलने का, कुछ कहने का अधिकार नहीं, तो यहां भी है। जैसा राजा ने दे दिया वैसे ही खा लेना है, उसके शिकायत नहीं करनी है, वो वहां है वो यहां भी है। गुलामों का कोई अधिकार नहीं होता, और राजा जब चाहे गुलामों को मार सकता है, पीट सकता है, हत्या कर सकता है, उसको कोड़े मार सकता है, 2,000 कोड़े मार सकता है, जो मैंने आपसे कहा, कुछ भी कर सकता है। इस तरह का है। तो उन्होंने है? हाँ वही है। और आप देखो कि इन्हीं जेलों के जैसे एनक्लेव्स हैं। ये जो आप बड़े शहरों में जाएंगे ना, बड़े शहरों में आप देखते हैं एक जैसे लाइन से लाइन जो घर हैं, ये तो जेल पैटर्न के ही है ना सब। ये यूरोप से आया हुआ है, पूरा नकल किया हुआ है हमने। बंबई में जाइए, बड़े अपार्टमेंट है, क्वार्टर्स हैं। ये क्वार्टर तो गुलामों के रहने के लिए यूरोप में बनाए जाते हैं। आपने देखे ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग क्वार्टर में रहते हैं, रेलवे के अधिकारी क्वार्टर में। रेलवे के क्वार्टर देखें, हर एक क्वार्टर एक दूसरे से मिलता जुलता, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के क्वार्टर देख सकते हैं। ऐसे तो जितने भी ये क्वार्टर्स हैं, ये क्वार्टर्स यूरोप के राजा का जो पिछवाड़ा है उसकी सब नकल है, फोटोकॉपी है। हमारे यहां क्या होता है, कोई कहता है देखो रेलवे के क्वार्टर में रहता है, आहा बड़ी ऊंची चीज है रेलवे के क्वार्टर में रहता है, और यूरोप में तो वो गुलाम के रहने की जगह है। हम अपार्टमेंट में रहते हैं, वो तो वहां गुलामों के लिए है। तो इसलिए उन्होंने क्वार्टर्स क्यों बनवाए हैं, क्योंकि राजा है, राजा का घर है, घर का पिछवाड़ा है, पिछवाड़े में नौकर है, नौकर माने गुलाम है। गुलामों में कौन कौन आता है, टीचर भी आते हैं, म्यूजिशियन भी आते हैं, पेंटर भी आते हैं, स्कल्प्टर भी आते हैं, कलाकारी का काम करने वाले भी आते हैं, खेती का काम करने वाले, ये सब नौकर हैं, गुलाम हैं। इनको रखने के लिए वो सब चाहिए, तो उसके लिए वो बनाता है आउट हाउस। सुना है आपने, आउट हाउस है ये। आउट हाउस तो उन्हीं के लिए है, गुलामों के लिए। तो यहां हर एक एमपी की कोठी में आउट हाउस बना है हिंदुस्तान में। आप आ जाइए देख लीजिए, दिल्ली बने हैं ना, एमपी की कोठी है 5 एकड़ की है, उसमें आउट हाउस बने हुए हैं, उसमें रहते हैं सब। और अभी कोई गर्व से कहेगा मैं तो फलाने एमपी के आउट हाउस में रहता हूं दिल्ली, तो बड़ी बात है। लेकिन यूरोप में तो वो सब गुलामों के रहने की जगह। तो उन्होंने जेलें बनाई हैं, पूरा जेल का उनका नकल वही है जो किसी राजा के घर के पिछवाड़े का है, वो भी इसीलिए। और क्या, हाँ नहीं 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 नहीं, सिर्फ शराब ही नहीं, शराब तो छोटा हिस्सा है। नहीं 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 नहीं, देखिए हम देखिए एक बात आपने ध्यान से सुनी होगी, पवन गुप्ता ने जब पहला व्याख्यान दिया यहां, तो उन्होंने ये कहा कि शब्द तो लगभग एक जैसे हैं, अर्थ उसके अलग अलग समाज में अलग अलग हुआ करते हैं। तो पब आप एक अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, उनके असली अर्थ पब का क्या है, वो ये है कि जहां पर आप कुछ भी कर सकें, वैश्यावृत्ति कर सकें, वैश्यागमन कर सकें, मिस्ट्रेस को रख सकें, जहां पर सेक्स एजुकेशन दे सकें समाज के लोगों को, बच्चों को, उनके लिए सब पब्स। हाँ हो ही रहा है ना, दिल्ली में, बेंगलोर में, ये जो बड़े बड़े शहरों में पब्स हैं, तो वहां तो यही हो रहा है ना, क्योंकि वो उन्हीं की नकल करके बनाए, वही कर रहे हैं यहां भी। ये जो बड़े घरों के रईस ज्यादा लड़के लड़कियां जाते हैं, वो सुना था जेसिका लाल मर्डर केस, वो क्या था, पब में ही तो हुआ था। वो एक नवाब का लड़का आया बिगड़ेल, उसने मांगा शराब लाओ, उसने कहा कि देर हो गई है, निकाला रिवॉल्वर मार दिया। ये तो यूरोप में ही होता है, तो यहां भी होने लगा है अब तो ये। हाँ राष्ट्रपति के खानदान के लोग हैं जिसने ये सब किया था, तो मन से वो भी अंग्रेजियत वाला होगा, तो पब में गया होगा, उसने वेटर बुलाया होगा, वेटर महिलाएं होती हैं ज्यादातर पब्स में, उसने कहा कि अभी टाइम पूरा हो गया है, तो उसने कहा नहीं लाओ, उसने कहा नहीं, तो निकाल के गोली मार दी। यूरोप में ये होता है सामान्य रूप से,
कि पब में आप गए हैं, आपने ये सब मांगा, नहीं मिला तो मारपीट हो जाएगी, हत्या भी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो गुलाम है, ये जो गुलाम है उनके अधिकार कुछ नहीं है, ना वो जमीन खरीद सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना मकान के मालिक हो सकते हैं, इसलिए हमेशा राजा की कृपा पर निर्भर रहना है उनको, हमेशा राजा को खुश करना है ताकि उसकी दया बनी रहे और वो घर में रहने की परमिशन उसको देता रहे। राजा की दया दृष्टि खत्म तो उसको मार डालेगा या निकाल देगा घर के बाहर। उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं, अपनी कोई हैसियत नहीं, अपना कुछ मतलब नहीं। अच्छा, इसमें कभी कभी राजा को दया आ गई तो कुछ को उसने आजाद कर दिया कि जाओ अब तुम आजाद हो गए। तो ये जो आजाद हुए लोग हैं इनके बारे में अरिस्टोटल कह रहा है कि किसी भी समाज के टोटल पॉपुलेशन के 5% से ज्यादा को आजाद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाता है। अरिस्टोटल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अरिस्टोटल कह रहा है। अरिस्टोटल कह रहा है कि किसी भी समाज में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 5% से ज्यादा स्वतंत्र नागरिक नहीं होने चाहिए, बाकी सब गुलाम, माने 95% को गुलाम बना के रखना है, 5% को स्वतंत्र रखना है शासन चलाने के लिए। और ये जो 5% लोग हैं इसी में सब आ जाएंगे, व्यापारी आ जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे, राजा आ गया, गवर्नर आ गया, उसमें काउंसिल आ गई, मिनिस्टर आ गए, सेनेटर्स आ गए, राज्यसभा सदस्य लोग जो भी हैं उनके, ये सब जो रूलिंग क्लास है वो ये 5% में है। 5% रूलिंग क्लास है, 95% को तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, इसी को उसने डेमोक्रेसी भी कहा है। हाँ, यही डेमोक्रेसी है, ये तो कहने की बात है। असली तो ये है कि आपको 95% को गुलाम बना के रखना है। अब गुलाम बना के रखने का एक पीरियड में एक तरीका, दूसरे पीरियड में थोड़ा बदला हुआ एक दूसरा तरीका, अब मैं बताता हूं। पहला पीरियड है राजा महाराजाओं का, ठीक है, तो यहां भी राजा महाराजा होते हैं, वहां भी होते हैं, तो वहां का जो राजा है वो कंट्रोल करता है पूरी प्रजा को। थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव आता है, तो बदलाव आता है तो क्या होता है, 8-10 राजा मिलकर एक कोई ग्रुप बना लेते हैं या कोई कार्टेल बना लेते हैं या राज्य बना लेते हैं, वो मिलकर कंट्रोल करते हैं, हो गया, हाँ एम्पायर जैसा खड़ा कर लिया, मैं बड़ा हो गया, बाकी मुझसे छोटे छोटे 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, सबने मिलकर बना लिया, तो सबके गुलाम लोग वो बड़े राजा के गुलाम हो गए। तो जो चक्रवर्ती है यूरोप में, वो चक्रवर्ती ऐसा है कि एक राजा, उसके अधीन 100 राजा, 100 राजा की पूरी प्रजा। अब जो अरिस्टोटल ये कह रहा है, और फिर मैं वो बात याद कह रहा हूं, द होल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट ऑफ अरिस्टोटल, माने अरिस्टोटल ने जो कहा है वही यूरोपियन सिविलाइजेशन का मर्म है पूरा। तो अरिस्टोटल जब ये कह रहा है कि 5% से ज्यादा को स्वतंत्र रहने की जरूरत नहीं है, 95% को गुलाम ही रहना चाहिए, तो अब उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बनानी है। तो उन्होंने, देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये 14वीं शताब्दी का है। मैग्ना कार्टा की कल बात चल रही थी ना, उसमें से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आया। तो मैग्ना कार्टा का चार्टर क्या है, कुछ लोग आपस में मिलकर संधि कर रहे हैं, उसमें राजा ही ज्यादा है, वो मिलकर तय करते हैं और वो तय करके एक वो बना लेते हैं, स्थान बना लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम अलग अलग जगह अपने महल में बैठे, आके सब साथ में यहां बैठे, तो उसको पार्लियामेंट कहा है उन्होंने, जहां पर ये राजा और राजा के साथ के जो रूलिंग क्लास के लोग आके बैठे हैं, मिलजुल कर कुछ फैसला करें, तो वो पार्लियामेंट हो गया। अब वो पार्लियामेंट के नीचे जो कुछ चल रहा है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गया। तो अब इसमें तंत्र कैसा बनेगा, तंत्र ऐसा बनेगा कि राजा मुख्य है, राजा के नीचे उसका साथ रूलिंग क्लास है, तो रूलिंग क्लास का एक ही काम है, नीचे से सब लाना, राजा को देना। फिर राजा की इच्छा है उसमें से क्या खर्च करना क्या नहीं करना। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम आया उनके यहां से, वो इसमें से आया कि सारा टैक्स इकट्ठा करो, राजा के पास लाओ। टैक्स इकट्ठा करने के लिए पूरा क्लास है, वो क्लास इकट्ठा करके लाएगा टैक्स, राजा को देगा, राजा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का, 25% राजा ने अपने पर्सनल पॉकेट में रख लिया, 25% राजा ने चर्च को दे दिया, और जो बचा हुआ 50% है वो रूलिंग क्लास में डिवाइड हो गया। अब नीचे क्या गया, कुछ भी नहीं, नीचे देना ही नहीं है, नीचे कुछ देना नहीं है।
और नीचे देना है तो कितना देना है, तो अरिस्टोटल उसके लिए भी कह रहा है। अरिस्टोटल कह रहा है कि ये जो गुलाम लोग हैं इनको अगर पगार किसी काम के लिए दी जानी चाहिए तो उतनी ही दी जानी चाहिए कि वो सिर्फ जिंदा रह सके, ज्यादा पैसा उनको खराब करेगा। तो मजदूरी उतनी ही मिलनी चाहिए किसी गुलाम को कि वो जिंदा रह सके। रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास टैक्स इकट्ठा करके ला रहा है, राजा को दे रहा है, राजा 25% अपनी जेब में रख रहा है, 25% को वो बांट रहा है, चर्च को दे रहा है 25%, 50%, और जो 50% है वो रूलिंग क्लास में बट रहा है। तो टैक्स का ये डिवीजन हो रहा है, तो नीचे क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं पहुंचेगा, नीचे से सिर्फ आएगा, नीचे जाएगा कुछ भी नहीं। ये सिस्टम को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, यही भारत में चल रहा है। नीचे कुछ जाता नहीं है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर जाता है। अब वो राजा की जगह प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ रूलिंग क्लास है, एमपीज हैं, एमपीज के साथ उसके सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज के साथ अंडर सेक्रेटरीज हैं, वगैरह वगैरह। और जब वो अरिस्टोटल कहता है कि सिर्फ 5% को ही स्वतंत्र रहने का अधिकार है, 95% को तो गुलामी रहना चाहिए, तो भारत में आज देख लो आप, 5% ही स्वतंत्र हैं, आजादी उन्हीं के लिए है, 95% को तो गुलामी ही गुलामी है, और गुलामों की गुलामी है। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है जिसको गांधी जी ने बड़े कड़े शब्दों में लताड़ा है अपनी पुस्तक में, वो तो इसी बात के लिए लताड़ा है कि पूरी तरह से ये इसको प्रोस्टिट्यूट कहा है और बांझ भी कहा है। तो बांझ तो ये मतलब है कि इससे लोगों के लिए भला कुछ निकलेगा नहीं, और प्रोस्टिट्यूट इसलिए कि इसका कोई भी इस्तेमाल करता है, एक राजा आया उसने किया, दूसरा आया उसने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांचवें ने किया, वो इस्तेमाल होता ही रहता है। अब उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम बड़े अहोभाव से अपने सिर पे उठाए लादे 56 साल से घूम रहे हैं कि देखो कितना अच्छा स्वतंत्रता मिल गई है, 15 अगस्त मनाओ, 26 जनवरी मनाओ, तिरंगा झंडा फहराओ, हम स्वतंत्र हैं। कहां स्वतंत्र हैं आप? और प्रतंत्रता क्या है वो उस दिन बेलजी भाई ने आपको समझाया, ये कानून वो कानून, ये नियम वो नियम, हर जगह से आपको बांध के रखो, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ राजा को है, माने प्राइम मिनिस्टर को, उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर की कार यहां चाहे तो यहां से जा सकती है, वहां चाहे तो वहां से जा सकती है, ये सड़क तोड़ी जा सकती है, वहां हेलीपैड बनाया जा सकता है, ये सब राजा के लिए हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहा है। तो पहले लूट का हिस्सा एक ही राजा के पास है, उसमें जब हिस्सेदारी 8-10 राजाओं के साथ मिलकर बढ़ रही है तो वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई है, इसमें से निकला है। अच्छा, फिर ये जो मालिक हैं और उनके जो नौकर हैं, गुलाम हैं और उनके नौकर, तो नौकरों को सब काम मालिकों के लिए करना है, ये अरिस्टोटल कहता है। वो कहता है नौकर को अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना मालिक के लिए करना, उत्पादन करना तो मालिक के लिए करना, सर्विस देनी है तो मालिक के लिए देनी है, कुछ भी करना है मालिक के लिए करना है, और मालिक को करने के लिए अपने को जिंदा रखने के लिए कुछ करना है तो करना है। तो अब ये जो नौकर और मालिक है इसका देखिए कैसा है। अब ये जो नौकर हैं, अभी यूरोप में आप जाएंगे तो आपको कई जगह पब्लिक बाथ्स मिलेंगे, पब्लिक बाथ माने सार्वजनिक स्नान घर, और लाइन के लाइन है, आप यूरोप में कहीं भी जाइए मिलेंगे। ये क्यों है? ये एक्चुअली सब नौकरों के लिए बनाए हुए हैं, गुलामों के लिए, क्योंकि उनके घर में बाथ्स नहीं होते तो पब्लिक बाथ्स बनाए उन्होंने। और हमारे हिंदुस्तानी जब यूरोप घूमने जाते हैं, वो पब्लिक बाथ में नहा के आते हैं तो उसका 1 घंटे वर्णन करते हैं। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है अक्षय कुमार जैन, वो थोड़े दिन पहले यूरोप की यात्रा पे गए तो बता रहे थे, तो भाई जो तो फ्रांस में पेरिस में पब्लिक बाथ में नहा के आया, बड़ा बड़ा काम हो गया। असलियत तो ये है कि ये पब्लिक बात जो है राजा के गुलामों के लिए, क्योंकि गुलाम कहाँ रहते हैं, मैंने आपसे बताया एक लाइन से लाइन जो दड़वे जैसे घर बने हुए हैं उनमें रहते हैं, ना वहां टॉयलेट है ना बाथरूम है, तो उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक बाथरूम है, उन्हीं में जाके वो नहा सकते हैं, धो सकते हैं। और नहाना धोना उस पर राजा का ऑर्डर है, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, रोज नहीं नहा सकते, राजा ने ऑर्डर दिया तो नहा लीजिए, हाँ रोज नहीं नहा सकते। अच्छा, रोमन एम्पायर जब है तो रोमन एम्पायर के राजाओं का मैंने इकट्ठा किया है कि कौन राजा कितने दिन नहाने का ऑर्डर देता है, तो सामान्य रूप से साल में 3 या 4 दिन मैक्सिमम, 4 डेज।
अधिकतम नीरो जो है ना, नीरो जो बड़ा सम्राट माना जाता है, नीरो के राज्य में मैक्सिमम साल में 3 बार गुलाम नहा सकते हैं, चौथी बार नहीं नहा सकते। अब उनको साल में 3 ही बार नहाना है, तो अब राजा उसकी व्यवस्था क्या कर रहा है, वो बताता है कि देखो भाई नहाना वाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं, राजा के लिए जरूरी है तो नहाएगा, तुमको इतना जरूरी नहीं तो तुम कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करो। तो अब दूसरी व्यवस्था क्या, मान लो पसीना वसीना आ रहा है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि शरीर में से बदबू ना आए, तो परफ्यूम्स लगाओ, तो स्प्रे करो, तो ये करो। नहाने नहीं जा सकते, परफ्यूम चाहे तो 10 बार यूज कर सकते हैं आप, बाथरूम में नहाने नहीं जा सकते, ये है रिस्ट्रिक्शन है राजा का। अभी इसके आगे क्या है कि राजा का सवेरे जब दरबार लगेगा तो सारे गुलाम लाइन से उसको पहले गुड मॉर्निंग करेंगे, लाइन से गुड मॉर्निंग, और वो गुड मॉर्निंग में विश है कि आपकी सुबह अच्छी हो, हमारी हो या ना हो आपकी जरूर अच्छी हो। तो अच्छी हो माने आपको सूरज का दर्शन हो जाए, आपका दिन अच्छा गुजरे, आपको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये गुलाम लाइन लगा के राजा को पहले गुड मॉर्निंग करेंगे, फिर राजा उनके काम को बताएगा कि अब आपको आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, नरसों ये करना है, तो वो काम पे जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग का ये है, वो राजा के लिए है। बॉस को बोलती है कि नहीं, हाँ तो वो बॉस राजा ही तो है हमारा, तो बॉस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वहां राजा को बोलते हैं। अभी इसी तरह का कि अगर राजा को किसी गुलाम के व्यवहार के बारे में कोई सूचना मिल गई कि इसने कुछ गलत किया, माने गुड मॉर्निंग नहीं किया, अच्छा बीमार है तो भी जाना पड़ेगा गुड मॉर्निंग करने, तो और अगर आपने नहीं किया तो निकलवा के फेंकवा देगा, कोड़े वोड़े से पिटवा देगा कि इसने गुड मॉर्निंग नहीं किया। फिर क्या है कि ये जो गुलाम है, जैसे इनको नहाने का अधिकार साल में 2-3 दिन है, वैसे ही मनोरंजन करने का अधिकार भी 2-3 दिन है साल में, या कभी कभी 4 दिन। कभी राजा बहुत लिबरल है तो साल में 10 दिन मनोरंजन करवा दिया, लिबरल है, बहुत है, उदार है, बड़ा दयालु है, कृपालु है, क्योंकि साल में 10 दिन मनोरंजन के लिए देता है। तो मनोरंजन में क्या है, एक तरफ राजा का मचान बना है, वहां राजा बैठा, उसका परिवार माने रूलिंग क्लास, नीचे सब गुलाम बैठे हैं, सामने कुछ हो रहा है, कुछ नाटक हो रहा है, कुछ नौटंकी हो रहा है, तलवारबाजी का खेल हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि राजा हंसेगा तो गुलाम हंसेगा। हाँ सुनिए आप इस पे, राजा हंसेगा तो गुलाम हंसेगा, राजा को हंसी नहीं आती आप नहीं हंस सकते, अगर आपने किया तो एटिकेट के विरुद्ध है ये, आप सब भी नहीं है, आप सिविलाइज नहीं है। अब ऐसा हो जाता था कई बार कि राजा को हंसी नहीं आई लेकिन गुलामों को आ गई, तो खड़ा करेगा और अगले दिन कोड़ों की सजा, 10 कोड़े इसको मारो, 20 इसको मारो, 50 इसको मारो, 100 इसको, सजा है। तो ये है, और इसी को वो गुलामी कहते हैं, और ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं। अच्छा, और समाज में राजा जब जा रहा है, पालकी निकल रही है, तो गुलामों का पहला कर्तव्य है कि लाइन लगा के उसको सलाम करें। तो रॉबर्ट क्लाइव की वो जो कहानी मैं सुनाता हूं ना आपकी कैसेट में, वो यही कहानी है। रॉबर्ट क्लाइव कह ये रहा है कि मेरे राज्य में अगर ऐसा कोई करे तो समझ में आता है ये हिंदुस्तानी भी मुझे सलामी देने के लिए सड़क के किनारे खड़े, इसका माने ये तो गुलाम होने की तैयारी में है, मन में आ गया है इनके। तो राजा की सवारी निकल रही है, तो सवारी निकल रही है तो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक और अरिस्टोटल की बात बताता हूं, अरिस्टोटल ये कह रहा है कि राजा बिना रिश्वत के तो नहीं चल सकता, रिश्वत तो चाहिए। और वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम में करप्शन तो जरूरी है। तो मैंने कहा ना, टैक्स आया 25% राजा ने अपनी जेब में रखा, ये क्या है, करप्शन नहीं है? टोटल टैक्स आया उसका 25% राजा ने अपनी जेब में रख लिया, करप्शन है। अब अरिस्टोटल कह रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये तो चाहिए ही नहीं, तो राजा काम कैसे करे? और 25% बांट लिया चर्च को दे दिया, और 50% बांट लिया उसके सब अधिकारियों ने, तो आपके हिसाब से 100% करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो तो उनकी सोसाइटी का अंग है करप्शन।
और बाद में इसको दूसरे तरह से भी कहा जाता है, बार बार आपने सुना भी होगा कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है करप्शन उसके लिए बहुत जरूरी है, बिना करप्शन के सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चलता, तो राजा का तंत्र भी नहीं चलता। वो कह रहा है अरिस्टोटल कि रिश्वत तो है, जरूरी ही है, और वो बटी हुई है, राजा है उसको सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके नीचे चर्च को मिलेगी, उसके नीचे उसके जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको मिलेगी, और अगर कोई ऐसा करने में विफल रहे तो सजा है अधिकारियों को। और टैक्स के सारे कानून ये आई हुई रकम का बंटवारा करने के लिए ही हैं, वहां पर जितने भी टैक्सेशन के लॉज हैं कि रकम आ गई है लोगों से, अब उसका बंटवारा कर लो। अब देखिए एक महत्व की बात, अरिस्टोटल क्या कह रहा है और फिर बाद में नियम बनता। अरिस्टोटल ये कह रहा है कि राजा जो भी आदेश दे वो ऐसी भाषा में होना चाहिए कि गुलामों को कभी भी समझ में ना आए। अरिस्टोटल कह रहा है तो नियम वही है। तो राजा जो है इतनी अधिक घुमावदार और जटिल और खराब खराब माने जटिल शब्दों का प्रयोग करके आदेश दे, और वो आदेश ऐसा हो जो किसी भी गुलाम को समझ में ना, गुलाम में कौन है 95% क्लास, आप ध्यान रखना, तो 95% क्लास को समझ में नहीं आए ऐसा आदेश राजा को देना है। समझ में किसके आए, वो जो 5% उसके साथ है उनके समझ में आए। तो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना ये गेट एग्रीमेंट समझ में नहीं आए, तो ये बनाया ही नहीं आपके लिए, तो ये तो बनाया गया है वो 5% क्लास के लिए जो राजा के साथ मिलकर लूटखोरी में लगा हुआ है। तो आप जब बार बार कहते हैं ना यूरोप में जितने भी कानून बनते हैं नियम बनते हैं सबकी भाषा बहुत क्लिष्ट होती है, उनके शब्दों को पढ़िए तो रेटरिक ज्यादा है। एक शब्द मिलेगा नॉट विद स्टैंडिंग, जगह 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 नॉट विद स्टैंडिंग, कुछ मतलब नहीं लेकिन आएगा क्योंकि वो उनकी परंपरा है। अब ध्यान दीजिए कि ये उनकी मान्यता है कि राजा जितनी जटिल भाषा में बात करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो दूरी रहेगी, तो दूरी ही रखनी है, राजा और प्रजा मिलने नहीं चाहिए, दूर दूर रहने चाहिए। अब दूर दूर रहने के लिए अरिस्टोटल कहता है कि राजा का रहन सहन प्रजा से अलग होना चाहिए, खान पान भी अलग होना चाहिए, बोलचाल की भाषा अलग होनी चाहिए, आदेश की भाषा अलग होनी चाहिए, तंत्र बिल्कुल अलग होना चाहिए, वगैरह वगैरह इस तरह का। अब इसके बाद अब जो राजा का रूलिंग क्लास है वो क्लास अगर कुछ राजा को सुझाव दे तो राजा मानता है, लेकिन नीचे से कोई सुझाव राजा के पास नहीं आता कभी भी, रूलिंग क्लास को सुझाव दे सकता है उसी को। और ये जो अरिस्टोटल एक और बात कह रहा है कि फिजूल खर्ची तो राजा का मौलिक अधिकार है, अरिस्टोटल कह रहा है, हाँ अरिस्टोटल कह रहा है उसी के शब्द में, बस इतना ही है कि वो अंग्रेजी में कहा है उसने, मैंने हिंदी करके आपको सुना दिया। अरिस्टोटल कह रहा है कि फिजूल खर्ची करना राजा का अधिकार है, तो आपसे टैक्स का पैसा लिया उसको फिजूल खर्च कर रहा है तो अधिकार है ये तो उसका, आप उसमें चुप वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इसने हमारे टैक्स के पैसे का फिजूल खर्ची किया वगैरह। अब वो फिजूल खर्ची कैसे कर सकता है, सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची राजा करता है दावतों में, डिनर पार्टीज होते हैं राजा के, तो डिनर पार्टीज में रूलिंग क्लास के लोगों को इन्वाइट किया जाता, और एक डिनर पार्टी 7 घंटे 8 घंटे चलती है, दोपहर 2:30 बजे से शुरू होती है, रात 10-11 बजे तक समाप्त होती है, शराब के कई दौर चलेंगे, फिर डांस का प्रोग्राम होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर थोड़ा खाना खाएंगे, फिर शराब पियेंगे, ऐसे 6-7 घंटे की उनके यहाँ डिनर पार्टी है, और औसतन हर राजा सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन डिनर पार्टी करता है, उसमें उसका सबसे ज्यादा खर्चा होता है। दूसरा कभी अपने मनोरंजन के लिए कुछ करता है तो उसमें खर्च होता है। तीसरा उसके गुलामों पे सबसे ज्यादा खर्च होता है जो उसने गुलाम पाले हुए हैं, तो टैक्स के पैसे का खर्चा इस तरह से होता है। राजा के साथ जो रूलिंग क्लास है उसमें जमींदार वगैरह भी है, तो ये जो जमींदारी प्रथा है ये तो यूरोप से भारत में आई है, भारत में कभी जमींदारी नहीं रही है, यूरोप के संपर्क में आने के बाद इस देश में जमींदारी शुरू हुई है। राजा का जन्मदिन बहुत भव्य पैमाने पे मनाया जाता है, राजा का, रानी का कभी भी नहीं, इस बात का ध्यान दे, रानी का कभी भी नहीं, राजा का ही जन्मदिन मनाया जाएगा, बहुत भव्य पैमाने पर मनाया जाएगा, उसमें बहुत सारे पैसे वैसे खर्च होंगे। अब अंत में राजा जब मरेगा उसके समय का एक दो वर्णन करता हूं। राजा अगर मरेगा
तो उसकी यात्रा वैतरा निकलेगी, डेड बॉडी निकाली जाएगी वगैरह, और उसके लिए स्मारक बनाया जाएगा, जहां उसको दफन करेंगे वहां स्मारक बनेगा, स्मारक बनेगा वहां पर बड़े बड़े उसके मूर्ति स्टैच्यूज लगाए जाएंगे, उसमें पत्थर लगाए जाएंगे, उस पर एनग्रेव माने कार्विंग किया जाएगा, और उसमें लिखा जाएगा कि ये राजा था, इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मरा, इतने दिन इसने शासन किया, इतने मजदूरों को उसने ऐसी सजा दी, उतने मजदूरों को ऐसी सजा दी, इतने गुलामों को ऐसे मारा, उतने को ऐसे मारा, इसकी 40 पत्नियां थी या 50 पत्नियां थी, इसके 100 बच्चे थे, सब लावारिस थे, ये सब उस पर लिखा जाएगा, पूरा लाइफ हिस्ट्री लिखा जाएगा, कहां पर जो उसका स्मारक है, जहां पर उसको दफन किया गया। तो आपने सीमेट्रीज देखी, हर एक सीमेट्री में आपने देखा वो एक पत्थर लगा रहता है, वो नकल वही है। उस पत्थर पे यहां तो थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में आते आते कुछ तो भारतीयता आ जाती है ना, लेकिन यूरोप में आप जाएंगे और वहां की सीमेट्रीज को देखेंगे तो विशाल विशाल पत्थर है, उसपे सब लिखा हुआ है, फलाना राजा था, इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मरा, इतने गुलाम थे, इतनी पत्नियां थी, इतने नौकर थे, इतने चाकर थे, इतने लोगों को डेथ का सजा दिया, इतने को ऐसे मारा, उतने को ऐसे पीटा, इतनी बार उसने मनोरंजन किया, इतनी बार नहीं किया, वगैरह वगैरह, सब डिटेल हिस्ट्री लिखा जाएगा, उसी को स्मारक कहते हैं। और हमने, ये मूर्खों ने, हमने भी नकल कर लिया स्मारक बनाने का उन्हीं से। ये जो बनाए जाते हैं ना स्मारक हिंदुस्तान, तो महात्मा जवाहरलाल नेहरू का स्मारक है, तो सरदार पटेल का स्मारक है, तो ये तो हिंदुस्तानी थोड़ी है परंपरा, ये तो यूरोप से आई हुई है। भगवान राम का कहीं स्मारक देखा आपने? मंदिर देखा होगा, स्मारक नहीं बनते हमारे यहाँ। कृष्ण का भी नहीं देखा होगा, युधिष्ठिर दुर्योधन का नहीं मिलेगा, अर्जुन का नहीं मिलेगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, सरदार पटेल का भी मिल जाएगा। अब तो महात्मा गांधी के भी स्मारक बना दिए हैं सब लोगों ने, हालांकि गांधी जी मरने के पहले ये कह गए थे, लेकिन माना नहीं ये गांधी जी की बात को, वो कभी भी इस स्मारक के समर्थन में नहीं रहे, लेकिन बना दिए हैं। अब गली चौराहे पे स्मारक बनते हैं, तो अब तक मरने पे बनते थे, अब बिना मरे भी लोगों ने बनवाने शुरू कर दिए कि पता नहीं मेरे मरने के बाद बनाया कि नहीं बनाया। हर मोहल्ले का एक छुटभैया नेता अपना स्मारक बना के चला जाता है, और फिर सड़क उसके नाम से होनी चाहिए। ये यूरोप की परंपरा, अभी मैं आ रहा हूं, यूरोप की सारी गलियां सारी सड़कें रूलिंग क्लास के लोगों के नाम पर हैं। तो यहां भी वही है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, अच्युतानंद मिश्र मार्ग, अंबेडकर मार्ग, तो फलाना मार्ग, तो ढिमाका मार्ग, ये तो वहां से आया हुआ है। स्मारक वहां बनाए जाएंगे, मार्ग वहां बनाया जाएगा, और फिर उन स्मारकों और मार्गों के नजदीक कुछ घर बनाए जाएंगे, जहां पर कोई आ सके, देख सके, रह सके, ठहर सके, वगैरह वगैरह। अच्छा, नागरिक किसको कहते हैं? अरिस्टोटल की डेफिनेशन पढ़िए, बहुत सुंदर डेफिनेशन उसने दिया। नागरिक कौन है, सिटीजन कौन है? तो वो कह रहा है अरिस्टोटल कि नागरिक यूरोप में वही है जो बिना श्रम किए हुए आराम और विलासिता से जीवन बिताए, वो नागरिक है। यह अरिस्टोटल का डेफिनेशन। कभी अरिस्टोटल को पढ़ लीजिए, उसकी 3-4 किताबें हैं, मुख्य मुख्य किताबें उसकी 3-4 हैं। उसकी एक तो मेजर किताब है जो जिसको मैंने सबसे ज्यादा देखा, वो रिपब्लिक, उसमें ये सब वो कह रहा है। तो वो कह क्या रहा है कि नागरिक कौन है, बिना श्रम किए हुए विलासिता से और आराम से जीवन बिताए वो नागरिक है, बाकी तो नागरिक नहीं है, सब नौकर हैं, गुलाम हैं। माने जो श्रम करता है वो नागरिक नहीं है, ये है। तो यहां तो यही है ना, नागरिक तो यही है ना, जो ऊपर का 4-5 करोड़ है, हम तो सब उनके नौकर जैसे ही है ना, जो श्रम करने वाला। हम कहते हैं ना श्रम करने वाले को नहीं मिलता, तो क्यों मिलेगा? क्योंकि अरिस्टोटल कह के चला गया कि श्रम करने वाले को उतना ही मिलना चाहिए जितना भी वो जिंदा रह सके। तो अब जब किसी समाज में आप ये मान्यता लेके चलेंगे कि श्रम करने वाले को तो नागरिक नहीं माना जाएगा, वो नौकरी होगा, तो श्रम के प्रति उनकी जो दृष्टि होगी वो क्या होगी? हर एक व्यक्ति राजा की क्लास में एंटर होने की कोशिश क्यों करेगा यूरोप में? श्रम से बचने के लिए।
मैं राजा के नजदीक चला जाऊं, श्रम नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहूंगा, विलासिता का जीवन बिताऊंगा। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मैं सरकारी नौकरी में चला जाऊं, श्रम करना नहीं पड़ेगा, आराम और विलासिता से जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये नौकरी की इतनी मारामारी क्यों है? वो यूरोप में है तो वो यहां भी आ गई है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी माने राजा की नौकरी। तो वहां राजा की नौकरी करने वाले लोगों के मन में बस एक ही बात है कि हमें राजा के नजदीक जाना है श्रम से बचने के लिए, आराम से और विलासिता से जीवन बिताने के लिए। तो यहां क्या है, हर आदमी राजा के नजदीक माने प्राइम मिनिस्टर का जो तंत्र है उसमें घुसने की हरेक की कोशिश है। मैं ICS हो जाऊं, मैं IPS हो जाऊं, मैं IRS हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, काहे के लिए, बिना श्रम किए हुए विलासिता और आराम का जीवन बिताने के लिए। ये यूरोप की परंपरा है, उनकी मान्यता है। वैसे हाँ, तो वही नागरिक है, बाकी तो सब नौकर है। अच्छा और देखिए, अरस्तु जो है ना, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं, उसी को हिंदी में अरस्तु कहते हैं। उसकी एक और डेफिनेशन देता हूं, वो कहता है गरीबी क्या है। अरस्तु डिफाइन कर रहा है पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है। तो वो कह रहा है कि गरीबी वह अभिशाप है जो किसी में किसी भी गुण को पनपने नहीं देती और पैदा नहीं होने देती। अरस्तु कह रहा है गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, डिफाइन कर रहा है। तो वो कह रहा है कि वह अभिशाप जो किसी भी व्यक्ति में गुणों को पनपने नहीं दे, किसी भी वर्च्यू, कोई भी अच्छे गुण को पनपने ना दे, वो गरीबी है। पैसे से उसका कुछ लेना देना नहीं, गरीबी वो है जो आप में गुणों को पनपने ना दे। और गुण क्या होते हैं, आगे डिफाइन करता है कि राजा जो करता है वो सब सद्गुण है और प्रजा जो करे वो सब अवगुण है। माने राजा ने वैश्यावृत्ति किया है तो वो सद्गुण है, लेकिन वही काम अगर नागरिक करेगा तो वो अवगुण है। राजा ने छेड़खानी किया है तो वो सद्गुण है, लेकिन साधारण आदमी करेगा तो अवगुण है। राजा ने किसी के साथ बलात्कार किया है तो सद्गुण है, आम आदमी करेगा तो अवगुण है। और राजा ये सब करे तो उसको सजा कौन दे, क्योंकि वो तो राजा है। और राजा को अरस्तु कहता है कि वो भगवान का प्रतिनिधि है, हाँ, ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा। अब ईश्वर का प्रतिनिधि राजा है, राजा के सभी गुण चाहे वो अवगुण हो वो सद्गुण है। तो वो कहते हैं ना कि ताकतवर का कानून होता है, गरीब का कमजोर का तो कोई कानून नहीं होता, वो तो यहां से आया ना। हिंदुस्तान में भी तो ये कहा जाता है ना कि जो पैसे वाला है ताकतवर है उसके लिए सब है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं। तो वो तो अरिस्टोटल में से निकली हुई बात है, उसकी फिलॉसफी है। हाँ, माइट इज राइट, या और भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह वगैरह जो भी। अच्छा, और राजा कहता है कि सारे गुण तो मुझ में है, थोड़े मुझसे कम गुण मेरे नजदीक के लोगों में है, जो रूलिंग क्लास उसमें कुछ गुण है, नीचे जो है उसमें गुण है ही नहीं, इसलिए उसको कभी देखो मत, उससे बात मत करो, उससे कुछ पूछो मत, जो पूछना है करना है वो आपस में पूछ के करो। अच्छा, संपत्ति खरीदने का अधिकार यूरोप में सिर्फ उन्हीं को है जो राजा के नजदीक है। मैंने आपसे कहा गुलामों को न जमीन खरीदने का अधिकार, न मकान बनाने का अधिकार, न सारे के सारे गुलाम किराए पर रह सकते हैं, घर नहीं बना सकते। और आज भी यूरोप में आप जाएंगे तो उनकी 70% 80% पॉपुलेशन किराए के घर में ही रहती है, अमेरिका में भी और यूरोप में आज भी 21st सेंचुरी में, आज भी, और 2000 साल पहले भी यही है। तो किराए के घरों में रहती है मेजोरिटी पॉपुलेशन। धर्मपाल जी के तीनों बच्चे बच्चियां यूरोप में हैं, 2 बेटी 1 बेटा। तो मैंने पूछ लिया एक दिन कि क्या है, उसे गुलामों की तरह रहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कि सब किराए के घर में रहते हैं, किसी का अपना घर नहीं है। उनकी बड़ी बेटी के पास भी अपना घर नहीं है, छोटी बेटी के पास भी नहीं है, बेटे के पास भी नहीं। तो ये किराए के घर में ही रहेंगे आप अगर गुलाम के क्लास से आए हैं। और गुलामी के क्लास में कौन कौन है, मैंने आपसे कहा, प्रोफेसर भी, लेक्चरर भी, म्यूजिशियन भी, पोएट भी, थ्योरिटिशियन भी, कहानी लिखने वाला, कविता लिखने वाला, बढ़ईगिरी का काम, लोहारगिरी का काम, सब काम कर, ये सब गुलाम वर्ग है राजा की इच्छा पे निर्भर। इनमें से किसी को अपना घर नहीं हो सकता। तो इनके लिए सरकार के द्वारा बनाए गए जो घर हैं या जो कॉलोनीज हैं उनमें रहना है और उसका किराया देना है। तो ज्यादातर कॉलोनीज हैं यूरोप में,
वो किराए के घरों के लिए ही बनाई गई हैं। किराए के घर हैं, किराए के बाथरूम हैं, किराए के टॉयलेट्स हैं, बहुत कुछ। हाँ, एक समान इसीलिए है ना। एक रूपता यूरोप में इतनी ज्यादा है कि फ्रांस से जर्मनी चले जाइए, जर्मनी से हॉलैंड चले जाइए, हॉलैंड से कहीं और चले जाइए, कुछ लगता ही नहीं है कि आप कोई दूसरे देश में आ गए, जब तक कि बात न करें किसी से। ऐसा ही है ना। तो जब तक आपकी बातचीत नहीं होती किसी से, तब भाषा आएगी। भाषा आएगी तो समझ में आएगा कि तुम स्पेनिश हो, कि तुम फ्रेंच हो, कि तुम जर्मन हो, कि तुम डच हो। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो सब आपको एक जैसा ही लगेगा, चाहे जर्मनी में खड़े होकर देखिए, चाहे फ्रांस में खड़े हो, क्योंकि एक रूपता तो लानी है ना। अच्छा, एक सम्राट की नीति के बारे में वो अरिस्टोटल कह रहा है कि भुखमरी ना रहे और भरपेट भी किसी को ना मिले, ऐसी नीति सम्राट की अरिस्टोटल कह रहा है। पॉलिसी क्या होनी चाहिए? स्टेट पॉलिसी, कि भुखमरी ना हो और भरपेट किसी को ना मिले, भरपेट किसी को ना मिले। फिर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो सब ये गुलाम वर्ग से हैं, और उनको अपने आय का एक हिस्सा राजा को देना है, जिसको बाद में टैक्स कहा गया है। पहले वो जबरदस्ती लिया जाता है, बाद में टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो सब राजा के पास ही जाना है, ये आप जान लीजिए। राजा कुछ करेगा, ये जो परकुलेशन थ्योरी है ना, ये यही है। इकट्ठा हो जाएगा राजा के पास, फिर वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पंतिम तक पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, हमने तो दिया परकुलेशन के लिए। अच्छा, ये जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंपनियां हैं। अब ये कंपनियां कैसे फॉर्म होती हैं? राजा है, राजा के नजदीक कुछ उसके चार छह दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, हो गई। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये राजा के नजदीकी लोगों द्वारा बनाई गई कंपनियां, जिनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। ये पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉलगेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये राजा के नजदीक के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई कंपनी है। कॉलगेट एक परिवार है, परिवार का टाइटल है कॉलगेट, COLGATE, कॉलगेट एक टाइटल है। जैसे मेरा दीक्षित है, आपका किसी का शर्मा है, किसी का देसाई है, वैसे टाइटल है कॉलगेट। उस परिवार की कंपनी है कॉलगेट पामोलिव प्राइवेट लिमिटेड, और वो अमेरिकन राजघराने के बहुत नजदीक का परिवार है। तो ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं, इन्हीं कंपनियों को सब बिजनेस करने का अधिकार है। ये कंपनियां कुछ छोड़ दें तो दूसरा उसमें घुस सकता है बिजनेस के लिए, नहीं तो वही करेंगे। धन संपत्ति आएगा तो फिर वैसे ही बटेगा, कंपनी को थोड़ा, राजा को थोड़ा, टैक्स के रूप में या किसी और रूप में, वगैरह वगैरह। अच्छा, सभी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या? तो अरिस्टोटल कहता है संपत्ति बनाना, यही मुख्य उद्देश्य है सभी व्यापार का। हाँ, जितना भी व्यापार आप करते हैं राज्य में, उसका मुख्य उद्देश्य है संपत्ति बनाना, राजा के लिए, राजा के शासन वर्ग के लिए, क्लास के लिए संपत्ति बनाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य, इसी के लिए व्यापार है। तो ये जो व्यापार का एग्रीमेंट है गेट, ये भी यही है। अब राजा का माने अमेरिकन पार्लियामेंट या यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसको कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट, उनके लिए संपत्ति बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे के पूरे गेट एग्रीमेंट का। तो ये सिलसिला ऐसे चला आता है, बहुत साल से चला आ रहा है। सूदखोरी को अरिस्टोटल ने सबसे ऊंचा काम कहा है, सबसे ऊंचा ब्याजखोरी। अरिस्टोटल के अनुसार सूदखोरी, ब्याजखोरी सबसे ऊंचा कार्य है, और वो चूंकि सबसे ऊंचा कार्य है तो फिर उसी में से बैंकिंग सेक्टर निकला है। तो अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर की बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो अरिस्टोटल के कहे अनुसार सबसे ऊंचा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत इज्जत है उनकी। तो वो कहता है कि ये सूदखोरी सबसे ऊंचा कार्य है, और ये काम करने वाले समाज में जो भी लोग हैं वो बहुत ऊंचे लोग हैं, और वहां क्या होता है कि अभिजात वर्ग माने ये जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास को सूदखोर होना ही चाहिए अरिस्टोटल के अनुसार, उसको सूदखोर होना ही चाहिए, माने उसको हमेशा कर्ज देना ही चाहिए, ब्याज लेना ही चाहिए रूलिंग क्लास को। तो यही कर रहा है रूलिंग क्लास पूरा का पूरा, कि ये पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसे को ब्याज पे बांटा,
फिर उनसे ब्याज लिया, फिर उसमें से पैसा बना तो फिर और को बांटा, फिर और को बांटा। इस तरीके से साधारण आदमी कर्जे में है, रूलिंग क्लास के पास सरप्लस कैपिटल है। अब जो है उत्पादन, अब एक दो बातें अब मैं कहूं कि देखिए ये सब है उनकी मान्यता, अभी इसमें बहुत है, मैं अब इसको संक्षेप कर रहा हूं। ये इतना मैंने आपको इसलिए सुनाया कि कुछ पिक्चर बनता है मन में, कुछ बन रहा है दिमाग में, अच्छा बन रहा है, तो अब इसमें से एक समझ निकलनी चाहिए हमारी कि उनका ये जो समाज है वो इस तरह का है, ठीक है। अभी ये समाज उनका ऐसा क्यों है, मन ऐसा क्यों है, एक बड़ा प्रश्न, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि उनकी परिस्थिति बहुत विपरीत है, प्रतिकूल है, जिस परिस्थिति में वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? यूरोप में रहते हैं। यूरोप कैसा है? साल में 6-7 महीने -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ठंड के दिनों में अक्टूबर से लेके और फरवरी तक, मार्च तक बल्कि कहना चाहिए, अक्टूबर से लेके मार्च तक तो खेत में भी कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ ही बर्फ, बर्फ, घर के बाहर नहीं निकल सकते, चारों तरफ बर्फ रहती है। सामान्य घरों में दो दरवाजे होते हैं, एक छत के ऊपर होता है और एक बाहर होता है। जब बर्फ गली में भर जाती है तो छत के ऊपर के दरवाजे से बर्फ पे निकल के गली गली में चल के ऐसे जाना पड़ता, भाई 6 महीने कुछ मिलेगा नहीं, बाहर बर्फ ही बर्फ रहेगी, बाजार जा नहीं सकते, भाजी ला नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, तो सब घर में इकट्ठा करके रखो, तो संचय की प्रवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी, परिग्रह आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और वही उसी में से इनसिक्योरिटी आएगी, और इनसिक्योरिटी किस बात की आएगी? वो इस बात की आएगी कि पता नहीं इस साल 10 महीने बर्फ पड़ गई तो, 9 महीने पड़ गई तो, 11 महीने पड़ गई तो, ये मन में रहेगा ना हमेशा। तो चूंकि आपको इतने कठिनाई में जीवन बिताना है, साल के 6-8 महीने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है, ना आपको खाने को मिले, ना पीने को मिले, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ पड़ी रहे, मिट्टी भी आपकी कठोर हो जाएगी, जब लगातार बर्फ मिट्टी में रहेगी तो मिट्टी भी कड़क हो जाएगी, उत्पादन भी नहीं होगा। सामान्य रूप से यूरोप में अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो घास का तिनका भी नहीं उगता है किसी खेत में। अब घास का तिनका हो गए कैसे? मिट्टी रहे तो हो गए, बर्फ ही, और बर्फ 10 फीट गहरी, 15 फीट गहरी, फिर बुलडोजर्स आएंगे, उनको हटाएंगे तो रास्ते बनेंगे वगैरह, तो थोड़ा हार्ड है कि नहीं जीवन? और जहां जीवन इतना हार्ड होगा वहां इनसिक्योरिटी होना बहुत स्वाभाविक है, और जहां इनसिक्योरिटी आएगी वहां पर संचय होना बहुत स्वाभाविक है, और जहां संचय आएगा वहां लूट करना बहुत स्वाभाविक है, और जहां लूट होगी वहां प्लंडरिंग तो आने ही वाली है, फिर उसी को वो ट्रेड कहेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे चलो इकट्ठा करके लाओ 6 महीने में और साल भर का जीवन चलाओ। तो वो सब लाओ 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 इकट्ठा करके रखो 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 रखो, ये प्रवृत्ति कहां से आएगी? ये तो इसी में से आएगी ना। अब हिंदुस्तान को देख लो, हिंदुस्तान में क्या है, बर्फ का तो प्रश्न ही नहीं है। साल में 4-5 महीने थोड़ा बहुत बारिश है, या 3 महीने बारिश है, 2-3 महीने थोड़ी गर्मी है, 1-1.5 महीने थोड़ी ठंडी है। ठंडी में बर्फ तो आपने कभी देखी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर हिमाचल वालों को छोड़ दें तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बर्फ कैसे पड़ती है वगैरह वगैरह। माने मौसम उनकी तुलना में बहुत अच्छा है। अब मौसम बहुत अच्छा है तो हर चीज की उपलब्धता भी है, हर चीज की उपलब्धता है तो ज्यादा मारामारी नहीं है, संचय की प्रवृत्ति नहीं है कि ये सब लाओ 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 इकट्ठा करके रखो। काय के लिए इकट्ठा करके रखना, मिलता है ना, आज सब्जी मिली है, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, नरसों भी मिलेगी, मिलने वाली है। उनके लिए प्रॉब्लम है, आज सब्जी मिली 6 महीने बाद नहीं मिलेगी, तो ला ला के फ्रिज में भर भर के रखो, तो उसके लिए फ्रिज आएगा, फ्रिज की टेक्नोलॉजी आएगी, ये सब आएगा, हमें क्या जरूरत है? हमें तो आज मिला है, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? उनकी नकल करने के लिए जबरदस्ती ज्यादा लाएंगे, फ्रिज में भर के रखेंगे। तो ये जो बनेगा पूरा तंत्र, देखिए जैसी परिस्थिति होती है वैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसा स्वभाव होता है उस अनुपात से मन काम करता है, मन जिस विचार में रमता है उसी तरह की व्यवस्थाएं बनाता है, उन व्यवस्थाओं में लूटमारी भी हो सकती है, मारामारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यूरोप के लोगों ने इतनी लूटमारी की है, इतनी मारामारी की है वगैरह 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 वगैरह, उसके पीछे ये है।
अब ये मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, एक छोटा सा हल्का सा पिक्चर आपके मन में बन जाए, ज्यादा तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो और विस्तार से आपको इसमें मिलेगा। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने लिया, बहुत छोटी 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 छोटी, शादी के बारे में उनकी मान्यता क्या है, और शादी के बाद के जो पत्नी के अधिकार हैं उसके बारे में मान्यता क्या है, पति के हैं, डाउरी के बारे में वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं इसमें। लेकिन मैंने संक्षेप में, एक तो राजा, राजा के नीचे रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास ऑर्डर करेगा, वो प्रजा का पालन कर, प्रजा को उसका पालन करना है, जो कुछ है वो राजा के लिए है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो ईश्वर का चूंकि प्रतिनिधि है इसलिए सत्य वही बोलता है, सत्य को वही जानता है, सद्गुण सब उसी में है, बाकी सभी में दुर्गुण है। ये तो है। अब ये सारी मान्यता कहां से निकली है, वो एक पॉइंट बहुत 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 सोचकर धर्मपाल जी से चर्चा कर करके निकला, वो ये है कि यूरोप में एक तो ये परिस्थिति ऐसी है, बहुत ठंडी का, बहुत तकलीफ का, बहुत परेशानी का, दूसरा उनके मन में है कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म है उनके यहां। ये जो बाइबल है, ये जो बाइबल है ना, बाइबल के पहले वो जो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें से पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन निकली है, उसमें कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। वो कहते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है। अब एक ही जन्म है, वो भी इतने कष्टों से घिरा हुआ है, तो जो करना है इसी जन्म में करो, आगे कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। तो हमेशा असंतोष रहने वाला है, टेंशन भी रहने वाला है। कल धर्मपाल जी कह रहे थे ना कि टेंशन ही उनका सबसे बड़ा इंजन है, अगर यूरोप में टेंशन न रहे तो यूरोप तो मर जाए, कल उन्होंने कहा ना, वो बात यही है। क्योंकि जब जीवन एक है, एक जीवन है, तो उस एक जीवन में ही सब करना है। अब जब आपको एक जीवन में ही सब करना है, वो 60 साल का या 100 साल का, तो असंतोष रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, वो तो स्वाभाविक है। और जब आप हिंदुस्तान की बात करें, यहां तो पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म में भी 84 लाख जन्म है, तो यहां तो संतोष ही संतोष रहने वाला है। संतोष इतना कि क्या जरूरी है इसी जन्म में होगा, अगले जन्म में कर लेंगे। एक बार मेरी दादी माँ से मैंने ये सब कहा, मेरी दादी माँ का अब स्वर्गवास हो गया, वो कहती थी तू इतना भागा दौड़ी क्यों करता है, आज यहां कल वहां, फिर आगरा, फिर बनारस चला गया, फिर वहां केरल चला गया। वो मैं बताता था, पूछती थी कहां गया, तो मैंने बताया इतने दिन में इतनी जगह गया, उतने दिन, तो काय को इतना भागा भागी करता है। मैंने कहा कुछ काम करना है कि क्या सब इसी जन्म में करना है, अगला जन्म भी तो है, थोड़ा शांति से बैठ। तो ये है भारतीय मानस कि तुम थोड़ा शांति से बैठो भाई, थोड़ा शांति से खाओ। हम हर एक काम में शांति शांति, कोई भी आप पूछो भाई शांति से खाओ, शांति से बैठो, शांति से बात करो, शांति से ये करो, शांति से वो करो, जल्दबाजी में कुछ मत करो, क्योंकि एक ही जन्म नहीं है, 84 लाख जन्म है, सब यही जन्म में नहीं करना है, अगले जन्म में भी करना है। तो हमारा मन तो ऐसे चलने वाला है, तो जब जहां सब शांति शांति है शांति, तो वहां गति भी धीमी होगी ना। अब हम इस बात को दुखी होते हैं कि कोई बैलगाड़ी चलाने वाला आराम आराम से बैलगाड़ी लेके जा रहा, अब हम उसमें लगे कि भाई तुम ट्रक में क्यों नहीं ले जाते, हवाई जहाज से क्यों नहीं ले जाते, तो पूछेगा काहे के लिए करना, मैं तो शांति के लिए करता हूं। तो शांति तो इसी में है कि धीरे धीरे बैलगाड़ी से मेरा माल पहुंच जाए एक जगह से दूसरे, उसको कुछ भागा भागी नहीं पड़ी है। तो भारतीय मानस जो है वो इस तरह से फंक्शन करता है, यूरोप का मानस एक दूसरे तरह से फंक्शन करता है। उनको हर चीज की जल्दी है, उनको हर चीज में तकलीफ भी है, परेशानियां भी है, वो परेशानी तकलीफों में से उनकी व्यवस्था निकली है, उसी व्यवस्था में से उनका ट्रेड निकला है, प्लंडरिंग निकली है, उसी में से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी निकली है, वगैरह वगैरह ये सब निकला है। तो ये भारत है हमारा, अपना है वो यूरोप है। अब यहां काफी कुछ तो शर्मा जी ने उस दिन कहा कि यहां क्या होता है, यहां राजा नहीं है कुछ खास, भारत में राजा का कुछ महत्व नहीं है। आपने वो तुलसीदास का पढ़ा है ना, कोई नृप होए हमें कहानी, है ना, राजा कोई हो हमको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि राजा का कुछ है नहीं इस देश में, मुख्य तो प्रजा का है, और प्रजा का इतना मुख्य है कि प्रजा की कोई ओपिनियन है तो राजा उसको ना नहीं कह सकता। अब रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं आपके बारे में तो बड़ी खराब बात कह रहे हैं, सीता जी के बारे में कह रहे हैं, तो चलो वन गमन दे दो, कितनी खराब बात कह रहे हैं मेरे बारे में। तो राजा को चिंता है कि जनता मेरे बारे में क्या कह रही है, यहां को क्या चिंता होने वाली है, कुछ भी करे प्रजा, राजा को कोई चिंता होने वाली है? यूरोप में आप जुलूस निकालो, धरना करो, प्रदर्शन करो, जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, ये करो, राजा को कोई मतलब नहीं है प्रजा से।
लेकिन यहाँ क्या है, अगर प्रजा राजा के विरुद्ध है तो राजा को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हिंदुस्तान में ज्यादातर राजाओं को प्रजा ने गद्दी से उतारा है, ज्यादातर राजाओं, या तो साधु संतों ने उतार दिया या प्रजा ने उतार दिया। तो यहां राजा की हैसियत कुछ खास नहीं है, हैसियत जो है वो प्रजा की है, और प्रजा में भी जो समूह है उनकी हैसियत है। हिंदुस्तान के बारे में अभी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि संपूर्ण भारत में 4,500 समूह हैं। वो जातियों के आधार पर हैं और हमारे कर्म कौशल के आधार पर है। कर्म कौशल माने कोई बढ़ईगिरी का काम करता है, कोई सुहान सुनारगिरी का, कोई लोहारगिरी का, तो कौशल के आधार पर बनाए गए समूह, जातियों के आधार पर ऐसे 4,500 समूह हैं। वो महत्व के हैं, राजा का कोई महत्व नहीं। तो यहां राजा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, वहां राजा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां प्रजा नियम कायदे कानून बनाएगी, वहां राजा नियम कायदे कानून बनाएगा। वहां राजा बनाकर प्रजा पर ला देगा, यहां प्रजा तय करेगी वो राजा को मानना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी यहां ज्यादा है या वहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। तो अपने को उसी डेमोक्रेसी की बात करनी है जिसको ग्राम स्वराज्य कहते हैं, ग्राम गणतंत्र कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो यही है कि हाँ जो होगा वो राजा नहीं, प्रजा करने वाली है, गांव के समूह करने वाले हैं, गांव के लोग तय करने वाले हैं। राजा को सूचना भर दी जाएगी कि हमने तो ऐसा तय कर लिया है। और यहां टैक्स लेने का भी ज्यादा अधिकार नहीं है राजा को, चाणक्य तो कहता है 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। और यहां तो क्या है, टोटल राजा ही के पास है, 25% उसकी पर्सनल पॉकेट में, 25% चर्च में, 50% उसके नीचे के कर्मचारियों को, जनता को तो कुछ नहीं। यहां तो चाणक्य कहता है कि 5% भी बहुत अधिक है टैक्स लेना। तो यहां टैक्स इकट्ठा होकर राजा के पास नहीं जाता, वहां सब कुछ इकट्ठा होकर राजा के पास जाता है, फिर राजा चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे। यहां आज भी हम इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आप में और यूरोप में फर्क क्या है? सिस्टम हमारा वही है जो यूरोप में था, आत्मा वही है हमारे देश में, यूरोप वाली ही है। ये क्या फर्क पड़ता है कि अटल बिहारी चला रहे हैं उसको या सोनिया गांधी चला रही है? समझ में आ रहा है आपको बात? अब हमारा कोई कार्यकर्ता ये प्रश्न न करे कि सोनिया गांधी आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, या अटल बिहारी चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, या आडवाणी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। कुछ फर्क नहीं है, अटल बिहारी रहे, सोनिया गांधी रहे, या कोई और दूसरा चला जाए, अगर वो तंत्र वैसा ही है जैसे राजा वाला यूरोप में है तो ये तो यही करने वाला है, नीचे से ले लो और उसको ऊपर रख लो। अब इस पूरे तंत्र को बदलना है, इसी में से हमारे लिए काम बनेगा। मैंने आपसे कहा कि दो रास्ते हमारे पास, एक रास्ता यह है कि या तो जैसा ये तंत्र है वैसे हम बन जाएं, या तो तंत्र को अपना जैसा बनाएं। अब सरल क्या है, तंत्र को अपने जैसा बना लें, यह ज्यादा सरल है। हम तंत्र जैसे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो यह सब करना पड़ेगा। हाँ, गुलाम बनना पड़ेगा, पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ेगा जैसे यूरोप में होता, बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, आपके संबंध तोड़ने पड़ेंगे, संबंध पूरे आपके राजा के साथ गुलामी के ही रहेंगे, आपके आपस के कोई संबंध नहीं रहेंगे, आप बिना राजा की अनुमति के हंस नहीं सकते, बिना राजा की अनुमति के रो नहीं सकते, वगैरह वगैरह, यही सब होगा ना। आप ऐसा बन सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बन जाइए। हम तो पूरी कोशिश करके अपने को या तो यूरोपियन बना लें और या तो अपने सिस्टम को इंडियन बना लें, तीसरा तो कोई विकल्प नहीं। तो आप जैसा मानते हैं मुझे भी वही लगता है कि ये सिस्टम को भारतीय बना लेना ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत की हम वैसे हो जाएं। अब ये सिस्टम को भारतीय बना लेना तो इसमें अब भारतीयता कहां आएगी? तो भारतीयता आप समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजियत क्या है? पूरा टैक्स इकट्ठा होकर राजा के पास चला जाना, ये अंग्रेजियत है, और पूरा टैक्स नीचे का नीचे ही रहना, ये भारतीयता है। समझ में आ गया? तो अपने को हिंदुस्तान में ऐसा टैक्सेशन सिस्टम चाहिए जिसमें मैक्सिमम टैक्स लोगों के हाथ में रहे, राजा के हाथ में मिनिमम जाए, तब तो भारतीयता है। अब इसी को हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना है या लड़ाई लड़नी है या विद्रोह करना है, जो कहना, आंदोलन करना है, जो भी करना है वो इसके लिए करना है कि हमारा ये जो राजा वाला टैक्सेशन सिस्टम है जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, उसको बदलकर नीचे के लोगों के हाथ में पूरा टैक्स सिस्टम रहे, ऐसी व्यवस्था। अब इसको क्या नाम देंगे वो महत्व का नहीं है, कुछ नाम दे दो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह दो, ग्राम स्वराज्य कह दो, ग्राम गणतंत्र कह दो, शब्दों में मत जाओ, मूल क्या है, अर्थ उसके लिए वो ये है
कि हमें ये टैक्सेशन सिस्टम नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में रहे, लोग खर्च करें, राजा को थोड़ा सा मिल जाए। चाणक्य 5% कहता है, हम 10% कर दें, बहुत अधिक तो 20%, इससे ज्यादा की जरूरत। तो आजादी बचाओ आंदोलन का काम क्या है? आजादी बचाओ आंदोलन का काम यह है कि अंग्रेजियत की व्यवस्था को भारतीय बनाना। हमारा जो स्लोगन है ना, भारतीय व्यवस्थाओं को भारतीय बनाना, अब वो स्लोगन आपको समझ में आएगा कि अभी तक हमारी व्यवस्था भारतीय नहीं है, अंग्रेजियत वाली है, उसको भारतीय बनाना। तो उसमें से एक व्यवस्था ये कि हम टैक्सेशन को बदल दें, दूसरी व्यवस्था क्या, ये शिक्षण तंत्र बदल दें, ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम, हमको तो कॉन्वेंट नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहां तो लावारिस कोई नहीं है। हिंदुस्तान में तो कोई लावारिस नहीं है, जिसके माँ बाप मर गए हैं उसके मौसी मौसा हैं, मामा मामी हैं, बुआ फूफी हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, ताऊ ताई हैं, कोई तो है, ऐसा तो कोई नहीं है। और कोई नहीं है तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया है कि चलो ये मेरी लड़की हो गई, ये मेरा लड़का हो गया, ये मेरा भतीजा हो गया, ये मेरा भांजा हो गया। अब यहां तो कोई लावारिस है नहीं, तो हमें कॉन्वेंट क्यों चलाने चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। उनको कॉन्वेंट चलाने की जरूरत है क्योंकि वहां सब लावारिस हैं, यहां कॉन्वेंट की जरूरत नहीं, यहां की कोई लावारिस नहीं है। तो हमें ऐसे स्कूल्स चलाने हैं जो कॉन्वेंट नहीं होंगे, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम चलाना है जिसमें पैसा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। सरकार कैसी चलानी है? सरकार ऐसी चलानी है जिसमें राजा फैसला ना करे, राजा नियम कानून ना बनाए, प्रजा फैसला करे, प्रजा नियम कानून बनाए, राजा को सूचना दे दी जाए कि हमने ये फैसला किया है। अब सेवाग्राम में हम बैठे हैं, पड़ोस के कोई गांव से हमें कोई संबंध बनाना हमने तय कर लिया और राजा को बता दिया कि देखो जी हमने तय कर लिया, दो गांव ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, राजा को सूचना हो गई, बात खत्म हो गई। ये नहीं कि राजा तय करे और फिर हम उसके बाद दो गांव के आपस में कोई संबंध बनाएं या एग्रीमेंट करें, ये नहीं। क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे सब कुछ दिल्ली में तय होगा तो इसमें और यूरोपियन सिस्टम में कोई फर्क नहीं, लेकिन सब कुछ गांव में तय होने लगेगा, तहसील में, जिले में, तो ये तंत्र बदलेगा। तो शिक्षा कैसी बनानी है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा बनाना है, राज्य व्यवस्था कैसी बनानी है, कुछ कुछ समझ में आया? समाज के संबंध आपसी कैसे बनाने, तो ऐसे ही बनाने हैं जैसे भारतीय। अब भारतीयता में क्या है महत्व की बात कि हमने कहा ना पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है, 84 लाख यूनिया है। अब ये जो 84 लाख यूनिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। अब उनमें से किसी भी में आप जा सकते हैं, मनुष्य हो गए, अगली बार चींटी हो सकते हैं, मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आत्मा समान है, ये मान्यता है। महत्व की जो बड़ी मान्यता है हिंदुस्तान की वो ये है कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म में इतनी सारी योनियां हैं, इतनी योनियों में हमें कहीं भी जन्म मिल सकता है, आत्मा सबकी एक जैसी है, शरीर का कोई अर्थ नहीं है, आत्मा महत्व की है और आत्मा समान है। जब आत्मा समान है तो संबंध भी समान है। अब आपके जब संबंध समान है तो उसमें आपको क्या करने की जरूरत है? तो समानता के संबंध बने, वही करने की जरूरत है ना। तो जब आप परिवार में, परिवार के बाहर पड़ोस में, पड़ोस के बाहर गली में, मोहल्ले में समानता के संबंध स्थापित करना शुरू करेंगे तो आप भारतीय हो जाएंगे, और यूरोपियन स्टाइल में जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे। माने हम गांव में किसी से संबंध ही न रखे, हम माने हम तो बड़े हैं वो तो छोटे हैं, तो आप तो अंग्रेजियत वाले हैं, लेकिन आप गांव में सबसे संबंध रखते हैं, समानता के स्तर पर बात करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कपड़े कम है, किसी के पास ज्यादा है, संपत्ति किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन संबंध बराबरी के हैं। और वो संबंध बराबरी के कैसे हैं, जो मैं पहले दिन कहानी सुना रहा था, आप में से कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे, मैं मेरे घर की एक कहानी सुना रहा था। जब मैं बचपन में छोटा था, मुझे अभी भी याद है, मेरे घर में हमारी जो माँ है वो रोज सवेरे 1 घंटे बात करती थी। हमारे घर में एक महिला आती थी, उसको हम लोग क्या माने, मेहतरानी कहते थे, जो हमारे टॉयलेट को साफ करती थी, वो रोज घर में आती थी, है हाँ, जो भी रानी मेहतरानी जो भी। मेरी माँ का डेली नियम था उससे 1 घंटे बात करने का, 1.5 घंटे बात करने और बराबरी के स्तर पर बात होती। ये ठीक है, मेरी माँ उधर बैठती थी, ये इधर बैठती थी, बात बराबरी की होती थी। और मेरी माँ कहती थी ये तो नालायक है मेरा लड़का, ये कुछ समझता नहीं। वो कहते नहीं, मेरा तो बहुत होशियार है, या उसने कहा मेरा लड़का नालायक है, ये बहुत होशियार है, ये सब बातें होती थी। अब वो तो बराबरी के स्तर पर होती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेहतरानी है और मेरी माँ जो है
किसी ऊंची जाति की है, संबंध तो इस लेवल पे थे। बात होती है कि नहीं होती आपसे? ऐसे हमारे घर में मुझे अभी भी याद है, सब्जी बेचने के लिए एक महिला आती थी, तो सब्जी तो वो 250 ग्राम टमाटर ही देती थी, लेकिन 1.5 घंटे बात करके जाती थी। 250 ग्राम टमाटर दे दिया या आधा किलो पालक ले लिया, इससे ज्यादा किया एक आध किलो आलू वालू ले लिया, क्योंकि रोज आती थी तो ज्यादा लेने का कोई अर्थ नहीं है। सुबह भी आती थी, शाम को भी आती थी, लेकिन उसके साथ जो 1.5 घंटे की बात होती थी वो तो बराबरी के स्तर पर होती थी। अपने सुख दुख की वो कहती थी, मेरे घर की बात वो जानती थी, उसके घर की बात हम लोग जानते थे। जब हम अपने सुख दुख की बात किसी से शेयर करें तो वो तभी संभव है जब हम उसको बराबर का माने, अदरवाइज नहीं होता ये कभी भी। जब आप किसी को अपने बराबर का मानते हैं तभी आप उसके साथ शेयरिंग करते हैं अपने सुख दुख की। जब आप अपने के बराबर का किसी को नहीं मानते आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे अपने सुख दुख की। तो हमारे यहां ये जो बराबरी के संबंध हैं, समानता है, तो यहां सोशलिज्म की जरूरत क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये जो रशियन रेटरिक हमने अपनाना शुरू किया, सोशलिज्म होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए और ये होना चाहिए, ये तो सब उनके लिए यूरोप में से निकला ना, ये फ्रेटर्निटी और इक्वेलिटी, और ये इक्वेलिटी है नहीं तो इसलिए लानी है उनको, तो न महिला पुरुष में है, न बच्चे और मां में है, न बाप और बेटे में है, कहीं भी इक्वेलिटी नहीं है, तो हर जगह इक्वेलिटी लानी है। उसके लिए वो इक्वेलिटी को चिल्लाते हैं बार बार बार, वीमेन्स लिबरलाइजेशन, वीमेन्स लिप के नारे लगाते हैं, क्योंकि महिला की कोई हैसियत नहीं है समाज में, इसलिए वीमेन्स लिप की बात करेंगे। यहां तो कुछ नहीं है इस तरह का, ना तो हम इक्वेलिटी की बात करेंगे ना वीमेन्स लिप की बात करेंगे। फिर आप कहेंगे कि कुछ गिरावट तो है हमारे यहां, तो ये जो गिरावट है ना ये अंग्रेजों से सीखी है 500 साल में। अभी हमारे यहां ये जो हुआ है ना, छुआछूत हुआ, ये तो है ना, ये तो सच्चा है, ये तो स्वीकार करना चाहिए, तो ये कहां से आया है, इसमें क्या हुआ है पिछले 1000 साल? एक तो विदेशियों ने हमले बहुत किए हमारे ऊपर, दूसरा हमारी अपनी अकल और बुद्धि में गिरावट आई है पिछले 1000 साल में, काफी कुछ गिरावट आई है। समय के हिसाब से कभी कभी आदमी का वो गिरता है, मेधा गिरती है, बुद्धि गिरती है, तो वो गिरा है हमारा, तो वो गिरा है, तो हमने क्या किया, हमने भी अपने यहां वैसे बंटवारे कर लिए जैसे यूरोप में है। ये अछूत है, वहां तो सभी गुलाम अछूत है, आपने देखा, गुलाम के साथ राजा हाथ भी नहीं मिलाएगा, नमस्ते भी नहीं करेगा, दूर से ही छोड़, तो वहां जो सिस्टम है वही हमने भी बनाया अपने यहां। और अंग्रेजों के पहले भी ये रहा होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि गिरावट आती है तो कुछ भी होता है, ये सब समानता गई, गिरावट आई इस देश में, गिरावट आई तो उसमें छुआछूत भी चली आई। तो अब अपने को जो सोशल सिस्टम बनाना पड़ेगा उसमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूरोपियन सिस्टम में है वो हम फॉलो ना करने लग जाएं, माने अपने ही भाइयों से हमारी दूरी ना बढ़ने लगे, जाति के आधार पर हो या किसी भी संप्रदाय के आधार पर। अगर दूरी बढ़ती है तो भले हम कुर्ता पजामा पहने या धोती कुर्ता पहने, हम तो यूरोपीय ही हैं। अगर हम बात नहीं कर सकते अपने देश के हरिजन लोगों से, अपने बाद देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लोगों से, गरीब लोगों से, साधारण लोगों से, तो हम में और एक अंग्रेज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंग्रेज कभी बात नहीं करता नीचे लोगों से, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऑर्डर देते हैं, हम उनसे बात नहीं करते, उनकी पूछते नहीं सुख दुख की, अपनी बताते नहीं उनको, मानते हैं कि इनको कुछ अक्ल नहीं है, बताने से फायदा क्या, अक्ल है उनको, लगभग आपके ही बराबर की है, आपसे कुछ कम नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, वो एक तेलुगु किसान मुझे कह रहा है कि जब से यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट आया जी, मैं तो हिस्सेदारी से मजदूर हो गया, पहले मैं हिस्सेदारी में था। और उसको तो अक्ल है ना, डिफाइन कर रहा है पूरा, और उसने एक वाक्य में डिफाइन कर दिया पूरे सिस्टम को, पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़े लिखे होने से अकल का कोई संबंध नहीं है। हमारे यहां तो कभी नहीं माना गया कि उम्र से बुद्धि का कोई संबंध है, संत ज्ञानेश्वर को 14-15 साल की उम्र में बड़ी बुद्धि हो सकती है और कोई 90 साल के आदमी को भी अकल नहीं हो। तो हमारे संबंध कैसे होंगे समाज के, वो बराबरी के होंगे, हर स्तर पर बराबरी के संबंध होंगे। तो ये जो गैर बराबरी है वो जाएगी फिर उसमें से, और गैर बराबरी कैसे जाएगी, पहले हमारे व्यवहार से जाएगी, फिर धीरे धीरे हमारे परिवार से भी चली जाएगी। व्यवहार से कैसे जाएगी, आप साधारण लोगों से बातें करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सुख दुख की जाने लगेगी, दोस्ती हो जाएगी, धीरे धीरे मन से भी चली जाएगी, एकदम तो नहीं जाएगी लेकिन धीरे धीरे जाएगी। उनसे थोड़ा दोस्ती करिए, उनके साथ हंसिए बोलिए बतियाइए,
भले उनके घर जाके कुछ खाना पीना खाया, आपने उनके घर को अपने को अपने घर में उनको बुलाया वगैरह 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 वगैरह, ये है। तो इस तरह का अगर आएगा तो ऐसी व्यवस्था के लिए आपको प्रयास करना है। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी, जिसमें फैसले नीचे होंगे, राजा कुछ तय नहीं करेगा। टैक्सेशन का सिस्टम कैसा, जिसमें मैक्सिमम पैसा नीचे रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। समाज व्यवस्था कैसी, जिसमें समानता के आधार पर संबंध बनेंगे। इसी तरह से हमारी सारी व्यवस्थाएं बनती, अर्थव्यवस्था भी फिर वैसी ही होगी, बाकी व्यवस्थाएं भी वैसी होंगी। तो अब ये जो गेट के नाम पर आ रहा है, ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक हमने जो सेंट्रलाइजेशन लाया है उसमें एक केंद्र सरकार है, सब कंट्रोल उसके हाथ में है। गेट आने के बाद और बड़ा सेंट्रलाइजेशन आ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी कंट्रोल गेट के हाथ में चला जाएगा। हाँ, विश्व सरकार हो जाएगी, उसी को वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा जा रहा है। तो आप अभी सरकार के गुलाम हैं, फिर उनके गुलामों के गुलाम हो जाएंगे। सरकार गुलाम WTO की और आप सरकार के गुलाम। तो ये गुलामी हमारे यहां नहीं रहती कभी भी, क्योंकि जिस समाज में समानता रहेगी वहां गुलामी कैसे रहने वाली है, जहां असमानता रहेगी गुलामी वहीं आने वाली। तो हमें समानता आधारित, गुलामी रहित, शोषण मुक्त समाज की रचना अगर करनी है तो इसीलिए इस व्यवस्था के लिए प्रयास करना। तो एक व्यवस्था कैसी है यूरोप की, वो अभी ये कैसी है वो, इतना मैंने कहा। अभी कुछ समझ में आया है क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ जरूर, एक दो मिसाल दे दू आज के जमाने के, जिससे राजीव भाई की बात को कुछ अनुमोदन मिल जाता है। मैं कुछ साल पहले लंदन गया था, एक गुजराती कुटुंब के घर पर ठहरा था, तो वो बोल रही थी कि हम इधर 1968 में रहने आए, तब तक मैं लंदन में कोई भी जगह किसी के घर में टॉयलेट नहीं था। हाँ, सब 5 सेंट का सिक्का दे के पब्लिक टॉयलेट में स्नान करने भी जाते थे। उन्नीस सौ अड़सठ तक लंदन में प्राइवेट टॉयलेट नहीं था किसी के भी घर में। फिर उसने बताया कि उसके बाद तेजी से सब सबके घर में बनने लगा, लेकिन 68 तक पूरे लंदन में कहीं प्राइवेट टॉयलेट नहीं था। वो खुद उसने ही बताया, जहां मैं उतरा था वहीं। उससे कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक दफा फिर पहले लंदन गया था, तो उस वक्त मैं एक यूरोपियन मेरा अंग्रेज मित्र था, उसके साथ में घूम रहा था और उनके दूसरे अंग्रेज मित्र के घर में ठहर गया था लंदन में। तो फिर हम गए वहां बैठे, तो वो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके उसकी पत्नी आई और उसका पति कुछ अंदर गया, तो मैंने उसकी पत्नी को पूछ लिया कि जरा क्लेरिफाई करने के लिए, आप उनकी पत्नी है ना, दूसरा कोई नहीं है ना, कोई ताकि गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने उस पूछा कि आप उनकी पत्नी है, तो उसने जवाब दिया अनफॉर्चुनेटली नॉट, और इतना दुख से जवाब दिया कि मैं हैरान हो गया सुनने में। फिर उसने बोला कि मैं 9 साल से इधर रहती हूँ, लेकिन वो मुझे पत्नी नहीं बना रहा है, वो टॉयलेट में गया था। हाँ, और मैं उसकी अभी गर्लफ्रेंड ही हूँ। फिर मुझे उसमें वहां की सिस्टम का पता चला कि अगर वो पत्नी बन जाए तो उसको हक मिल जाता है। तो सब पुरुष लड़कियों को टटलाते रहते हैं और साथ में रहते हैं, अगर पसंद नहीं है तो दूसरी वो निकाल देते हैं, दूसरी लाते हैं, और इस तरह से अपना 5-10 साल चला लेते हैं, उसमें से उसको जो ठीक लगे ना उसके साथ फिर मेहनत करते हैं। तो इस तरह वो बेचारी 9 साल से रहती थी, तो इतनी हैरान हो गई थी। तब हमको मुझे समझ में आया कि वहां तो स्त्रियों का दर्जा हिंदुस्तान से कहीं खराब है, तब उसमें समझ में आया। फिर उसी बात है, फिर हमारे अवगुण तो है ही, हम नहार बोलते हैं। फिर एक तीसरा अनुभव, मैं एक हॉलैंड में एक फैमिली के साथ रहता था, अक्टूबर का एंड। तो एक दिन सुबह मैं उठा तो उसकी 17-18 साल की एक लड़की को मैंने नहीं देखा, उसका नाम एनके था। तो मैंने बोला वो एनके क्यों दिखती नहीं है, क्योंकि मैं 15 दिन से रहता था तो फैमिली मेंबर बन गया था। तो वो उस दिन शनिवार था, तो उसने बोला वो नौकरी पर गई है। तो वहां दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी ठंडी है कि हम दरवाजा खोल नहीं सकता। मैं जब भी बाहर जाता था दरवाजा खोलते उसको हटा के मैं तुरंत गाड़ी में घुस जाता था, क्योंकि इतनी ठंडी थी, ओवरकोट पहना हुआ फिर भी हम सहन नहीं कर सकते वहां की ठंडी, उतनी ठंडी थी। तो उतनी ठंडी में वो साइकिल लेके 8 किलोमीटर दूर नौकरी करने स्टोर में गई,
तो मैंने बोला क्यों इतने ठंडी में इतने बड़े सवेरे नौकरी करने क्यों गई? तो उसने बोला कि अभी उसको मैरिज करना का टाइम हो गया, 18 साल की हो गई है, तो फिर मैरिज करना है तो पैसे जुटाने के लिए, पैसा इकट्ठा कर रही है, इसलिए वो चाहती है। तो मैंने बोला स्वाभाविकता से कि क्यों आप उनके मैरिज क्यों नहीं कर देते? तो उसने वो लाल पीला हो गया मेरे सामने और बोला क्यों मैं उसका मैरिज क्यों कर दूं? इतना जोर से घाटा निकाल के बोला। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने को संभाल लिया कि मैं किधर बैठा हूं, फिर समझ में आ गया कि मैं यूरोप में बैठा हूं, ये हिंदुस्तान नहीं है। तो बाप और लड़की उसके साथ भी इतना संबंध नहीं है, उसको दया भी नहीं है, तभी मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है। फिर एक दफा मैं जर्मनी गया था तो जर्मनी में एक मेरा मित्र है उनके घर गया खाने के लिए, तो वो मेरे पक्के मित्र थे, वो मेरे घर यहाँ हिंदुस्तान राजकोट भी आते रहते थे और मैं उनके घर पहली दफा गया। तो फिर वहां पूरा रिवाज क्या है कि बर्तन साफ करने का सब पुरुषों का काम है, स्त्रियां कभी भी बर्तन साफ नहीं करेगी, खाना खा के निकल जाएगी और रसोई कर देगी, लेकिन बर्तन तो सभी पुरुषों का काम करने का। मैं जिसके घर हॉलैंड में रहता था वहां भी मैं बर्तन साफ करता था क्योंकि वो साफ। हाँ सुनिए, तो वो भाई मेरे घर पर आ गए थे तो वो हमारी संस्कृति समझते आई, तो वो बोलते आप बैठिए मैं बर्तन साफ कर लेता हूँ, आप बैठिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ने विरोध किया, वो बैठेगा कैसे, वो पुरुष है, उसकी ड्यूटी है साफ करने की, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो उसने अपने पति के साथ झगड़ा किया क्योंकि मुझे उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आपकी पत्नी को हैरान मत कीजिए, मुझे तो मैं हॉलैंड में रहा था ना तो मुझे प्रैक्टिस है बर्तन साफ करने की, तो फिर मैं भी शामिल हो गया। अभी लास्ट अगस्त में 8 अगस्त को वापस आया था जर्मनी से, एक साल पहले। तो मैं जर्मनी में था तो मैं एक गांव में गया था, 1000 की पॉपुलेशन का एक छोटा सा गांव था लेकिन बहुत समृद्ध गांव होते हैं वहां, हम कल्पना नहीं कर सकते इधर। तो मैं उधर पूछ रहा था, किसानों का गांव था, तो वहां कोई पूछ रहा था कि यहां आम होती है, उसने बोला नहीं आम तो नहीं होती। तो फिर मैंने बोला कि गन्ना होता है, उसने बोला कि नहीं गन्ना तो नहीं होता है। तो फिर मैंने पूछा केला होता है, तो नहीं केला तो नहीं होता है। तो फिर एक भाई समझ गया, देखिए कोई भी मीठी चीज यहां नहीं होती, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, कोई भी मीठी चीज इधर नहीं होती। फिर मैंने उसने बताया कि यहां तो 6 महीना बर्फ होती है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। फिर मैंने बोला तो हरी साग भाजी होती है, भिंडी या टिंडोरा ऐसी कोई चीज है, तो कहना है